लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पद्मपत्र निवेक्षण वंदे पद्ममुखी देवी पद्मनाभ प्रियामहं पद्मालय। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, भिखारी को बादशाह और बादशाह को भिखारी का दर्जा देने वाले मेरे वोटर दाता, हमारे क्षेत्र के वयोवृद्ध और लोकप्रिय नेता के आकस्मिक निधन की वजह से मेरी पार्टी ने आपकी सेवा का भार मुझ नौजवान कंधों पर सौंपा है, जिसका फैसला आपको करना है। भाइयों, मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप मुझे अपना वोट दें, आप मुझे MLA चुने, मगर मैं आपसे इतना जरूर कहता हूं कि आप इतना भर जरूर सोच लें कि आप अपना अमूल्य वोट देकर किसे चुन रहे हैं। क्या वो वाकई ईमानदार रहेगा? क्या वो जनता की सेवा, जनता की खिदमत बिना किसी स्वार्थ और लालच के करेगा? और सबसे बड़ी बात तो ये कि हम ये देखें कि उसके पास इतनी क्षमता है हमसे वो जो वादे कर रहा है, हम गरीब जनता से जो वो वादे कर रहा है, उन वादों को पूरा करने के लिए उसके पास इतनी ताकत है या नहीं। माताओं, बहनों, अगर आपको मेरे अंदर मेरी बातों में सच्चाई नजर आती है तो अपना अमूल्य वोट देकर मेरी युवा भावनाओं को विजयी बनाएं। इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहला काम जो मैं करना चाहता हूं वो है शराबबंदी, जो हमारी माताओं बहनों के दुखों और आंसुओं का कारण बनी हुई है, जिसे पीकर इंसान हैवान बन जाता है। मैं अपने क्षेत्र से शराब को इस तरह गायब कर दूंगा जैसे हमने अपने देश से गरीबी को गायब करने का प्रण लिया है। जय मानवता, जय देश। वोट फॉर सूर्य प्रकाश, वोट फॉर सूर्य प्रकाश, वोट फॉर सूर्य प्रकाश, वोट फॉर सूर्य प्रकाश। जी, मैं सूरज प्रकाश बोल रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ, सब सुचारू रूप से चल रहा है। वो क्या था कि कुछ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी और साथ में 10 लीटर मिट्टी का तेल, मेरा मतलब घास लेट। जी हाँ जी, धन्यवाद। अच्छा, प्रणाम जी। आजकल घर घर में बिजली है, फिर ये घासलेट किस लिए? पार्टी ऑफिस में आग लगाने के। क्या भैया, ये जाल हमारी समझ में नहीं आई। हमने ढेर सारे इलेक्शन लड़ाए लेकिन ऐसा कभी नहीं किया। क्यों ना प्रसाद जी? सत्यवचन श्याम प्रसाद जी। हाँ। आप लोगों ने इलेक्शन लड़ाए हैं और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। खबर ये उड़ेगी कि आग अपोजिशन ने लगाई है और आग से राख इकट्ठा होती है और वो राख दिखाकर हम वोट इकट्ठा करेंगे। याद रखिए, हमदर्दी से वोटों की बरसात होती है। हर लगे ना फिटकरी रंग चोखाई चोखा। अमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोक कल्याण पार्टी के श्री सूरज प्रकाश निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी श्री निर्बल को 10,000 से अधिक वोटों से हरा दिया है। बधाई हो, बधाई हो। त्रिवेदी जी, ये बाई इलेक्शन की जीत मेरी नहीं बल्कि आपकी विजय है, आपका आशीर्वाद है। सूरज, मैं उतना ही खुश हूँ जितना कि तुम। ये हमारी पार्टी की जीत है। तुम पर जो भरोसा किया वो तुमने पूरा किया। और सूरज, तुम मुझे बड़ा मानते हो, आदर करते हो, इज्जत करते हो, इसलिए मैं तुम्हें कामयाबी के गुर बताता हूँ। जी, हुक्म कीजिए। बेटे, तुम्हारी नजर हमेशा आसमान पर रहनी चाहिए और जब भी मौका मिले सीढ़ी चढ़ते चले जाओ और कभी मुड़ कर ना देखना और ना कभी सोचना कि किसके कंधे पर तुम अपने पांव रखकर ऊपर आए थे। मसल मशहूर है, बड़ी मछली का शिकार करने के लिए छोटी मछली को चारा बनना पड़ता है। आपका आशीर्वाद रहा तो एक दिन सारी बड़ी मछलियां मेरे जाल में होंगी। भाई जी, स्वर्गवासी मंत्री जी की सीट जीतकर मैंने ये तो साबित कर दिया है कि मैं किस काबिल हूं। अब
मेरे मंत्री पद के बारे में क्या विचार है? हाँ, दरअसल मैं उसी के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। आप संध्या, तुम्हें फूलों की क्या जरूरत है? तुम तो खुद एक फूल हो। ए, तुम्हें मेरे एमएलए बनने की कोई खुशी नहीं हुई? हाँ, बहुत हुई, लेकिन अफसोस भी हुआ कि तुम्हारी जीत की खबर रेडियो पर सुनी। माफ कर दो भाई, दरअसल पार्टी के लिए ये बाय इलेक्शन बड़ा ही प्रेस्टीजियस था, मगर मेरे लिए तो मामूली सी जीत है, शुरुआत है। हाँ, अब राजनीतिक दांव पेच की बाजी जीतने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। भला मैं राजनीति में तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? संध्या, तुम्हें याद है तुम कहा करती थी कि हर मर्द की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है? मैं तुम्हारा मजाक उड़ाया करता था। तुम सोच सकती हो संध्या, हाई कमांड का भेजा हुआ ऑब्जर्वर मुझे मंत्री बनाने के लिए सिफारिश करने को तैयार है। जरा सोचो संध्या, मंत्री बनने के बाद इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ बढ़ जाएगा और आने वाले दिन सिर्फ खुशियां ही खुशियां लेकर आएंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हारे सपने पूरे हो रहे हैं। मगर इन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मुझे उसको खुश करना होगा, चारा डालना होगा। हमारी किस्मत की कुंजी उस ऑब्जर्वर के हाथ है, मगर उसकी एक छोटी सी शर्त है। कौन सी शर्त? उसने तुम्हें मेरे साथ देखा है और भाई जी से कहलवाया कि वो तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता है। सपने में भी सोच नहीं सकती कि उसका प्रेमी, जो उसका पति होने वाला है, कभी ऐसी बात अपने मुंह से कहेगा। अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए ऐसी घटिया बात अपने मुंह से नहीं निकालनी चाहिए थी। अगर तुम सच्चे प्रेमी और मर्द होते तो शैतान का गला उसी वक्त घोंट देते जब उसने तुमसे अपनी प्रेमिका मांगी थी। तुम इतनी सी बात का बतंगड़ बना रही हो, जरा जरा आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो संध्या। उस शान शौकत में अकेला ही भागीदार नहीं होगा, तुम्हारी शान भी तो कितनी बढ़ जाएगी। और फिर इस रात का किसे पता चलेगा? सुबह तुम भूल जाना, मैं भी भूल जाऊंगा। उस ऑब्जर्वर की ताकत को समझो, वो बहुत बड़ा आदमी है। प्लीज मत छू मुझे, मेरे बदन पे कीड़े रेंगते महसूस होते हैं। एक लड़की के लिए अपनी इज्जत को चारा बनाना, किसी दूसरे के बिस्तर पे अपने आत्मसम्मान को बिछाना आसान नहीं है। छोड़ दो मेरा। पागल मत बन संध्या, तेरी ये जरा सी बेवकूफी हम दोनों को बर्बाद कर देगी। जब तक ये हाथ मैंने पकड़ा है, लोग तुझे संध्या देवी के नाम से पुकारेंगे। जिस दिन छोड़ दिया, सड़क पर आ जाएगी, सारी भाषा भूल जाएगी। भाषण देना आसान है, कामयाबी की जिंदगी जीना इतना आसान नहीं। जरा सोच, तू मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, अगर मैंने शादी से इनकार कर दिया तो क्या जवाब देगी जब लोग पूछेंगे कि तेरा बच्चा किसका बाप है? धमकियां देने की कोशिश मत करो। तुम जैसे घटिया आदमी के साथ रहने से मैं बेहतर समझूंगी कि सारी दुनिया को बता दूं मेरे बच्चे का बाप मर गया। एक औरत तुम जैसे आदमी के साथ पवित्र अग्नि के फेरे लेने से बेहतर समझेगी कि उसे खत कर दे और फांसी पे चढ़ जाए। नाउ गेट आउट। हेलो कन्वर एंटरप्राइजेस, मैं जगन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बॉस, बॉस तो स्विट्जरलैंड गए हुए हैं, दो दिन में आ जाएंगे। हाँ जी हाँ, आपका माल पहुँच जाएगा कल शाम तक पहुँच जाएगा। ओके बॉस, ओके सर, से अप। हेलो कन्वर एंटरप्राइजेस, गुड मॉर्निंग बॉस, एवरीथिंग फाइन सर? यस सर, मिस्टर सूरज प्रकाश सर हैवी मेजॉरिटी से जीत गया है सर। राइट सर, ओके सर, मैं अभी जाता हूं। गुड डे सर। मैं कम इन सर। नमस्कार सूरज प्रकाश जी, मेरा नाम सलीम है, मैं कन्वर लाल जी का पर्सनल असिस्टेंट। कन्वर लाल, कन्वर एंटरप्राइजेस का मालिक,
कहिए। आज सुबह विदेश से कंवरलाल जी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि आप राजनीति के मैदान में कूदे हैं तो ये महंगा खेल खेलने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। 5 लाख रुपए भिजवाए हैं। क्या नाम बताया आपने? सलीम सर। आपके मालिक मिस्टर कन्वर लाल ने ये पैसा मुझे खरीदने के लिए एडवांस भेजा है ताकि मैं उनके हाथ का खिलौना बन जाऊं। नहीं सूरज प्रकाश जी, कन्वर इंटरप्राइजेस की ये परंपरा रही है कि उभरते हुए लीडरों की मदद की जाए। मदद और डाले हुए चारे में क्या फर्क होता है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और तुम्हारे कन्वर लाल और उसके धंधों को भी। वो उनको पैसा देता है जो सत्ता में होते हैं ताकि उसके काले कारनामों पर पर्दा पड़ा रहे। मगर इस बार तुम्हारे कन्वर लाल को मुझे पहचानने में थोड़ी सी भूल हुई। मैं जनता का सेवक हूं, और एक सच्चा सेवक होने के नाते मैं कन्वर लाल और उसके धंधों का सर्वनाश कर दूंगा। जाकर कह दो उससे। श्योर सर, मैं आपका मैसेज कन्वर लाल जी तक पहुंचा दूंगा। नमस्कार सूरज। गेट आउट। लक्ष्मी आई हमरे द्वार और हम ही कहे गोली मार, इतनी बड़ी रकम वापस कर दी और ऊपर से कह रहे हैं आप आल मुझे मार। आप लोग इतने ही समझदार होते तो आज तक इलेक्शन लड़वाते ना रहते। हाई कमांड आपको भी रामजी की कृपा से एक आध इलेक्शन लड़वा देती है। ये रकम जो उसने भिजवाई थी वो तो राई थी राई। मुझे पर्वत चाहिए पर्वत। कन्वर लाल कोई मामूली शाय नहीं। आज रात जब मैं उसके स्मगलिंग के सामान पर छापा मारूंगा और उसको पुलिस के हवाले करूंगा तब देखना तमाशा। जनता की हमदर्दी और जो शोहरत मिलेगी वो इन कागज के पुलंदों से कहीं ज्यादा होगा, और जनता की मांग पर मंत्री पद मेरे सामने होगा। साथियों, वो आ रहे हैं जहर भरे ट्रक। कन्वर लाल को उसके मुकदमों की सजा हम दिलवाएंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। इन ट्रकों को हम शहर के अंदर नहीं जाने देंगे। आओ सूरज प्रकाश जिंदाबाद, 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 सूरज प्रकाश जिंदाबाद। मैं लोक कल्याण पार्टी का एमएलए हूँ। जब तक पुलिस यहाँ नहीं पहुँच जाती तब तक ये ट्रक एक इंच भी यहाँ से नहीं लेगा। नीचे उतरो। ये तो उम्मीद से कुछ ज्यादा ही हो गया सूरज प्रकाश। कार्यकर्ताओं की लाशें कन्वर लाल के गले के फंदे को और भी तंग कर देंगी। अब मुझे मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। युवा एमएलए सूरज प्रकाश ने साहस दिखाते हुए कन्वर एंटरप्राइजेस के नाजायज माल ले जाने वाले ट्रक जो रास्ते में 4 आदमियों को कुचल गए थे पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके कारण आज कन्वर लाल जैसे बारसूख आदमी को अदालत में हाजिर होना पड़ा। कितना खूबसूरत आदमी है ये कन्वर लाल। वाह क्या पर्सनैलिटी है। अरे सूरज प्रकाश भी बड़ी हिम्मत वाला आदमी है। Mm-hmm.
मिस्टर कन्वरलाल, आपकी जमानत 10 लाख रुपए नकद के एवज मंजूर की जाती है। पहचाना मिस्टर सूरज प्रकाश? अच्छी तरह से, द ग्रेट मिस्टर कन्वरलाल। ये जानते हुए भी मेरा पैसा वापस कर दिया, ऐसे कौन से कांटे थे उसमें? क्योंकि मैंने देश सेवा की शपथ ली है। मैं राजनीति को नई दिशा नया मोड़ देने आया हूं। दौलत मुझे नहीं खरीद सकती कन्वरलाल। ओह रियली? लेकिन कुर्सी की लालच आपको खरीद सकती है, और उसके लिए आप घटिया से घटिया हरकत कर सकते हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि आप जैसा घटिया आदमी कैरेक्टर की बात करता है। सलीम सर, एमएलए साहब को जरा इनका इतिहास तो बताना। बड़ा रोमांचकारी इतिहास है सर। 1978 में प्रोफेसर की मारपीट के जुर्म में कॉलेज से निकाले गए, लेकिन अपने ही जैसे चंद साथियों को गुमराह करके कॉलेज के बाहर धरना दे दिया और स्टूडेंट लीडर बन गए। 1980 में दंगों के दौरान लूट मार करते हुए पकड़े गए, लेकिन नेतागिरी की आड़ लेकर सजा से साफ बच गए। और 1984 में एक शरीफ लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे बिन ब्याही मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया और उसे भी पीठ दिखाकर भाग निकले। और 1988 में मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जनता की सेवा का बीड़ा उठाया। अरे एमएलए साहब, आप तो पसीना पसीना हो गए। सिर्फ आधा घंटा आपके बारे में छानबीन की है तो ये हाल है। अगर पूरा इतिहास खोज निकाला तो हार्ट फेल हो जाएगा, आपकी पोजीशन खाक में मिल जाएगी। जस्ट रिमेंबर दैट। मिस्टर सूरज प्रकाश, मेरे ट्रक रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि वो नाजायज शराब ले जा रहे थे मिस्टर कन्वरलाल, जो कानूनन जुर्म है। तुम देश के कानून के मुजरिम हो। तुम बकवास कर रहे हो, इस तरह तो हर बिजनेसमैन मुजरिम है। एक कंपनी का नाम बताओ जो खातों में हेर फेर नहीं करती। एक इंसान का नाम बताओ जो ईमानदारी से इनकम टैक्स देता है, जो जानबूझकर सरकार की आंखों में धूल नहीं झोंकता। अगर ऐसा ना करे तो आसमान को छूती हुई इमारतें, हवा से बातें करते हुए कार्य कहां से हासिल करेगा? लेकिन कन्वरलाल ने जान हथेली पर रखकर दौलत कमाई है। वो पहाड़ों से टकराने की हिम्मत रखता है। तुम्हारी तरह एहसान फरामोश नहीं है, जो वक्त आने पर अपनी माँ के दूध का सौदा करने से भी न चुके। मेरी दौलत मेरी हिम्मत और दिमाग का नतीजा है। अब आइंदा मेरे बिजनेस के बारे में फैसला करने की कोशिश मत करना कि वो अच्छा है या बुरा, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने पर मजबूर हो जाऊंगा। तुम्हें ने कहा था ना कि तुम मुझे बर्बाद कर दोगे? हाँ, मैंने कहा था, और कर दिखाने की हिम्मत भी रखता हूं श्रीमान कन्वरलाल। तुम देश और समाज दोनों के दुश्मन हो। मैं तुम्हें तुम्हारे बिजनेस के साथ दफन कर दूंगा। अंडरस्टैंड? इस मेज पर इतनी जोर से हाथ मत मारो कि ये टूट जाए। ये तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं खरीदी हुई, बल्कि तुम्हारी पार्टी ने उस पैसे से खरीदी है जो मैंने दान दिए हैं। ये शराब जिसे पीकर तुम नशे में झूमते हो, ये खाना जिसे खाकर तुम जिंदा हो, ये कपड़े जिसे पहनकर तुम जनता के आगे आगे घूमते हो, यहाँ तक ये जमीन जिस पर तुम्हारे कम कमाते हुए पैर टिके हुए हैं, ये सब उन पैसों से खरीदी हुई है जो मैंने पार्टी फंड में दिए हैं। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। भोली भाली जनता पर अपनी बहादुरी का झूठा सिक्का जमाने के लिए शेर के मुंह में हाथ मत डालो। पहले कन्वरलाल की बराबरी करो, फिर बात करना। तुम जैसों की तरफ मुड़कर देखने का वक्त ही कहां है सूरज प्रकाश के पास? तुम मेरा मुकाबला करने के काबिल ही नहीं हो। तो फिर देख लेते हैं सूरज प्रकाश के जीत किसकी होती है, तुम्हारे झूठे अधिकारों की जिनके पीछे कोई संस्कार नहीं, या मेरी इंसानियत की जिसके पीछे कोई भीड़ नहीं, तुम जैसे जुगनू की जो रातों को टिमटिमाता फिरता है, या कन्वरलाल की जो आसमान का चमकता सितारा है? चैलेंज
चैलेंज। मुख्यमंत्री श्री सिंह ने अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करते हुए युवा एमएलए श्री सूरज प्रकाश को सम्मिलित कर लिया है। जनता ने मंत्री श्री सूरज प्रकाश का जोरदार अभिनंदन किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, एहसान हमारे दिल पे तुम्हारा है साथियों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है साथी। नहीं नहीं नहीं, नहीं इसकी आज जरूरत नहीं, ऐश कीजिए। आप लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमें इलेक्शन जितवाया, हमें मंत्री बनवाया, आप लोग हमारा ऐसा साथ दे रहे हैं जैसे नैया कम्मा जी। हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, ये मत समझे ये सिर्फ इलेक्शन का वादा है। क्यों वकील साहब, आप क्यों ऐसे उदास खड़े हैं? छोड़िए सर, अब हमारा हाल सुनने की फुर्सत ही कहाँ है आपके पास। कैसी बातें कर रहे हैं आप, तो हमारे खासुल खास हैं। बस एक बार कन्वर लाल को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दीजिए, उस दिन से आपके दिन फिर जाएंगे। उसकी फिक्र आप क्यों करते हैं सर, मैंने गवाहों और सबूतों का ऐसा जाल बुना है कि कन्वर लाल के फरिश्ते भी उससे नहीं बच सकते। तो फिर खुद ही तय कर लीजिए ना किस अदालत में जज बनकर बैठना है। कहिए रामनाथ जी। सरकार, बार बार आपको कष्ट देता हूँ, मुझे बड़ी शर्म आती है। बड़ी बेटी की शादी तो आपके आशीर्वाद से हो गई है, अब छोटे की भी पक्की कर दी है, लेकिन सलीम सर, रामनाथ जी को 50,000 रुपए दे दो। ये सर। जाइए रामनाथ जी, अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कीजिए। भगवान आपका भंडार सदा भरा रखे। लीजिए। धन्यवाद। नमस्ते। आप लोग अनाथालय का काम शुरू कर दें, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। धन्यवाद सर। ये कोड़ियों के हॉस्पिटल का चेक है, इसमें कितना अमाउंट भर दूं? 2,00,000 रुपया। 2,00,000 रुपया, इतना पैसा सर? I'm sorry सर। सलीम, पैसा किसी जरूरतमंद के काम आए तो पैसा है, वरना कागज के टुकड़े। ये दौलत जो हमने समाज और कानून को अपना दुश्मन बनाकर कमाई है, किसी के तो काम आए। किसी एक दिल से हमारे लिए दुआ निकलेगी तो हम समझेंगे ये दौलत हमारे काम आई है। ये चेक आज ही भिजवा देना। यस सर। हेलो, हाँ बोलो जगन, माल पहुंच गया? सारे चेक नाकों पे पुलिस लगी हुई है। जगन, माल हर हालत में पहुंचना चाहिए। लेकिन सर बहुत मुश्किल लग रहा है। जो मैं कहता हूँ वो करो, रेस्ट आई विल टेक केयर। ओके सर। डंडा नीचे करो, क्यों गरीब के सर पे बरसाते हो? हमारी मांगे सही हैं। हॉर्न नहीं 50 जुर्माना, बत्ती नहीं 50 जुर्माना, अब घंटी नहीं। लल्लू, ऑटो में घंटी नहीं होती। अच्छा तुम लोग देश के दुश्मन भागे जा रहे हैं। हमारे पेट के दुश्मन आराम से बैठे हैं। देखिए ना, हमें सरकार तक जाने दीजिए, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, सुनो तो 5 रुपए का जाता है। हे लल्लू राम, सही नाम रखा है तुम्हारे माँ बाप ने, इनके सामने रोने से क्या होगा। चलो आटियो साहब के पास चलते हैं,
ये पत्थर दिल क्या जाने गरीबों के पेट किया। अरे लज्जो ऐसा मत बोल, साहब कितने अच्छे हैं, आप ही बताइए, हम हमारी मांगे लेकर सरकार के पास जाएं, गवर्नमेंट के पास जाएं, मंत्री साहब के पास जाएं या आरटीओ साहब के पास जाएं, कहां जाएं? नरक में जाओ। जरा एड्रेस तो बता दो। चलो ऑटो यूनियन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन। जाता है सब कोई
सवाल जिसका नहीं जवाब कोई, ऐसा हूँ मैं सवाल मैं कन्वर लाल, मैं कन्वर लाल। तू कन्वर लाल है, तू कन्वर लाल। कन्वर लाल जी, सूरज प्रकाश ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर चतुर्सेन को जज बनाने का वादा कर दिया है और इसीलिए वो चतुर्सेन जमीन आसमान को एक करने पर तुला हुआ है। हमारे चांसेस मुझे बहुत कम नजर आते हैं सर, हमें सीरियसली कुछ सोचना चाहिए। सोचना आपका काम है वकील साहब, यू आर पेड फॉर इट। आई नो सर। प्रोजेक्टर, लाइट्स ऑफ। सर, ये मिस्टर चतुर्सेन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यस सर। आई सी। सर, ये पिछले 30 साल से पीपी का वॉचमैन है। शक्ल से वफादार लगता है, अपने काम का नहीं। सर, इनका नाम नंदराम है, पीपी के असिस्टेंट कम सेक्रेटरी हैं। सालों का तजुर्बा इनके पीछे है लेकिन अकल से पैदल। पीपी साहब इन्हें सिर्फ कोर्ट की तारीखों तक ही रखते हैं। ये भी बेकार है। ये सीधी साधी औरत कौन है? संध्या देवी, पीपी की असिस्टेंट है सर, वेरी इंटेलिजेंट लेडी। पीपी साहब इन पर बहुत भरोसा करते हैं। दुनिया में आगे पीछे कोई नहीं, सिर्फ एक छोटा सा बेटा है। सलीम सर, ये मोरा अपने काम का है, मुझे इसके बारे में सब जानकारी चाहिए। गेट इट क्विक। राइट सर। संध्या, ये फाइल जरा संभाल के रखना। किस केस की फाइल है सर? कन्वरलाल वाले केस की। देखो संध्या, मेरा आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए इस फाइल को तुम ध्यान से रखना। इसमें कन्वरलाल के खिलाफ सारे गवाहों और सबूतों की डिटेल्स हैं। अगर इसमें से एक भी पेपर इधर से उधर हो गया तो कन्वरलाल कानून की गिरफ्त से निकल जाएगा और मेरे हाथ से मेरा प्रमोशन निकल जाएगा। संध्या, तुम फाइल्स अरेंज करो, मैं चैंबर से होकर आता हूँ। ओके सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आई एम एसआई अरुण कुमार, अभी अभी ट्रांसफर हुआ है शहर में। गुड, ऑल द बेस्ट। सर, संध्या जी आपके साथ काम करती है? हाँ, क्यों, आप उन्हें जानते हैं? जी हाँ, हम लोग अनातेले में एक साथ थे, भाई बहन जैसे हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ सर। ओ, कम कम विद मी। लुक, शी इज देयर। संध्या, ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। संध्या जी, ये कन्वरलाल केस की फाइल है? जी हाँ, क्यों? मुझे कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं। लेकिन ये फाइल मैं आपको नहीं दे सकती, इट इज एन इम्पोर्टेंट फाइल और पीपी साहब बड़े सख्त आदमी हैं। अरे, अभी उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है, आप बेकार में परेशान हो रही हैं। वैसे भी मैं यहाँ खड़े खड़े ये फाइल देख लूंगा और आप फिक्र ना करें, मैं वही इंस्पेक्टर हूँ जिसने कन्वरलाल को गिरफ्तार किया। डोंट यू वरी। ये लीजिए। थैंक यू। केयरफुल। हाँ, ओके। कौन सा पुलिस ऑफिसर? वो तुम्हारा भाई? हाँ, भाई? सर, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप ही ने तो उसे तनवरलाल की फाइल से पॉइंट्स नोट करने के लिए भेजा था ना? मैंने भेजा था? हाँ सर, आप ही ने तो इशारा किया था ना? क्या बके जा रही हो तुम?
कहीं तुमने उसको फाइल तो नहीं दे दी? नहीं सर, वो उसने कहा कि वो यहीं पर देखकर वापस कर देगा, लेकिन अचानक वो भाग गया। मैंने सारा कोर्ट छान मारा लेकिन उसका कहीं पता नहीं। यू इररिस्पॉन्सिबल गर्ल। प्लीज सर, मैं हेलो एसआई अनिल स्पीकिंग। आप क्या को अरुण कुमार नाम का इंस्पेक्टर है? नो सर, अरुण कुमार नाम का कोई इंस्पेक्टर हमारे यहाँ नहीं है। सच सच बताइए, कितने पैसे लेकर आपने वो फाइल बेची? कितने पैसे दिए मिस्टर कन्वरलाल ने आपको उस फाइल के लिए? स्पीक अप। नहीं सर, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, मैं कुछ नहीं जानती। कितने शर्म की बात है संध्या देवी, कि एक वकील होकर आप अदालत को धोखा दे रही। अगर वो सारी वारदात आप खुद बता दें तो अदालत का कीमती वक्त भी बचेगा। सच्चाई तो ये है सर कि वो फाइल मैंने उसी सब इंस्पेक्टर को दी थी जिसे आप ही ने भेजा था। ओफो, फिर वही बकवास कर रही हैं आप। मिस्टर कन्वरलाल, अगर उस गुमशुदा फाइल से किसी को फायदा हो सकता है तो वो आप हैं, सिर्फ आप। इसलिए उस फाइल को गायब करने की साजिश सिर्फ आप कर सकते हैं। बताइए कहाँ है वो फाइल? मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्या बता सकते हैं कि हिटलर की दाई टांग छोटी थी या बाई? व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? देन यू टॉक सेंस मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो फाइल आपके कब्जे में है आप उसके बारे में मुझसे पूछ रहे हैं? अगर मैं मूर्खता की बात कर रहा हूं तो आप महामूर्खता की बात कर रहे हैं। तमीज से बात कीजिए मिस्टर कन्वरलाल, दिस इज हाई कोर्ट। मैंने कब कहा कि ये टेनिस कोर्ट है? ऑर्डर ऑर्डर। वैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, किस बिना पर आप ये कह सकते हैं कि वो जुर्म इस शरीफ औरत ने किया है जिसका इल्जाम आप इस पर लगा रहे हैं? मुल्जिम के चेहरे पर उसका जुर्म झलकता है, उसकी घबराहट, उसकी कपकपाहट गवाही देती है। ये बताइए मिस्टर कन्वरलाल, कितना पैसा दिया आपने संध्या देवी को? लगता है अब आपको सच बताना ही पड़ेगा। प्लीज प्लीज। 2 लाख रुपए। वेरी गुड। लेकिन वो पैसे मैंने संध्या देवी को नहीं, हा? आपको दिए थे। जी? मुझे? जी हाँ। अब आप अपने चेहरे पर घबराहट देखिए, आपके पैर कपकपा रहे हैं। इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि ये जुर्म आपने किया है। योर ऑनर, मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, हम किस केस पर बहस कर रहे हैं? मिस्टर कन्वरलाल, जिनका ट्रक तथा कथित स्मगलिंग का सामान ले जाते हुए पकड़ा गया था, या फिर वो गुमशुदा फाइल जो जूनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हाथों गुम हो गए थे? मेरे काबिल वकील मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस केस को उलझाकर अदालत का वक्त बर्बाद करना चाहते हैं। उनकी खूबसूरती से बनाई गई कहानी यह कहना चाहती है कि वो फाइल जो सरकारी तहवील में थी, सरकार की पोजेशन में थी, गायब हो गई है। ठीक है, हो गई होगी, लेकिन योर ऑनर, इससे मेरे क्लाइंट मिस्टर कन्वरलाल का क्या ताल्लुक हो सकता है? हकीकत यह है योर ऑनर कि कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और उनकी सहायक संध्या देवी से मिलकर मेरे क्लाइंट मिस्टर कन्वरलाल के चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। संध्या जी, इससे पहले आपने मिस्टर कन्वरलाल को कभी देखा है? नहीं। किसी ने रिश्वत देकर आपसे वो फाइल हासिल की है? नहीं, मैं नहीं जानती कि वो फाइल ले जाने वाला कौन था। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मुझे धोखा दिया गया है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। सर, मानते हैं ना आप, इस उत्तम लाल के दिमाग को पूरी अदालत को हिला कर रख दिया। ऐसा कौन सा तीर मार लिया है आपने वकील साहब? ये क्या हो रहा है सर? कमाल है भाई, आप कहां थे? देखा नहीं कोर्ट में कैसे शेर की तरह धाड़ रहा था? अपने सवालों की बौछार से मेरे सबके मुंह बंद कर दिए।
सूरज प्रकाश की चालें धरी की धरी रह गईं। क्योंकि फाइल हमारे पास पहले ही पहुंच चुकी थी। अपने सर सेहरा मत मान दिए वकील साहब, अंधे के हाथ बटेर लगी, बोला रोज शोरबे से खाता हूँ। हंसो मत, मैंने तुम लोगों को बचाया है, वरना वो हथकड़ियां जो संध्या देवी को लगी है वो तुम्हारे लिए आई थी। क्या संध्या गिरफ्तार हो गई? हाँ सर, वो तो कब से जेल में पहुंच गई होगी। अकेले बैठे किसका इंतजार कर रहे हो? मम्मी का। बेटे, आपकी मम्मी एक जरूरी काम से बाहर गई है, कल तक आ जाएंगी। और आपकी मम्मी ने कहा है कि तब तक राजू बेटा हमारे साथ रहेगा। हम आपको बहुत सारी आइसक्रीम खिलाएंगे, ढेर सारे खिलौने देंगे। आपके पास इतने पैसे हैं अंकल? हाँ है बेटा, आपकी मम्मी ने दिए। चलो अंकल, हम मम्मी के कौन है? हम उनके सेक्रेटरी हैं। जगन सर। बेटे, अंकल के साथ जाकर गाड़ी में बैठो, हम अभी आते हैं। चलो। सलीम सर, वकील साहब से कहना संध्या की जमानत कल तक हो जानी चाहिए। ओके सर। मेरे राजू कहाँ है शास्त्री जी? बेटी, अनाथालय से फोन आया था कि सब ठीक है। मुझे लगता है वो अपनी टीचर के साथ चला गया होगा, तुम्हारी जमानत की खबर नहीं होगी। लेकिन मेरी जमानत किसने करवाई? कह नहीं सकता बेटी। आपके अलावा और कौन हमदर्द है मेरा? मामी, राजू, मामी, राजू, कहाँ था मेरा बेटा? कहाँ थे तू? हाँ, वो अंकल है ना, उन्हीं के पास। अंदर जाके खाओ। अच्छा मम्मी। माननीय मंत्री महोदय, पिताजी आज कोई नया लालच देने आए हैं? हम यहाँ तुमसे उलझने नहीं आए हैं, और ना ही हमारे पास बैठने के लिए वक्त है। वो तो मेरी शराफत ने मुझे मजबूर कर दिया जो तुम्हें बैठने के लिए पूछा, पर ना तुम्हारी सूरत देखकर ही मुझे उल्टी आ रही है। तो अपना हाजमा दुरुस्त कर लो, और हमें सिर्फ ये जवाब दो कि तुम कन्वर के साथ क्यों जा मिली हो? हमसे बदला लेना चाहती हो, या फिर उसकी दौलत पर हाथ साफ करना चाहती हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? रिश्ते तो तुम समझते ही कहाँ हो, जो तुम्हें बताओ। रही बदले की बात, तो मैं तुम्हें उसके काबिल ही नहीं समझती। और अगर पैसे का लालच होता ना, तो उसी दिन तुम्हारी बात मान लेती। तुम क्या समझती हो हम तुम्हारा विश्वास कर लेंगे? अगर तुम्हारी नीयत ऐसी नहीं थी तो कन्वर को फाइल क्यों दी थी? नहीं, मैंने फाइल नहीं दी थी। मुझसे धोखा किया गया है, बलि चढ़ाया गया मुझे। आज तक हर दुख सहा, जीवन के भवन में अपनी नीयत हिम्मत से खेती रही, लेकिन अब मैं नहीं सहा जा सकता। लोग कीचड़ उछाल रहे हैं, जो अपराध मैंने नहीं किया उसका जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हैं। मैंने कोई अपराध नहीं किया, नहीं किया। तुम्हारे ये मगरमच्छ जैसे आंसू हम पर कोई असर नहीं कर सकते। संध्या देवी, तुम्हारी ये सिसकियां तुम्हारी बेगुनाही का सबूत नहीं दे सकती हैं। हाँ, जानती हूँ मंत्री जी, आंसू तो सिर्फ इंसानों पर असर करते हैं, तुम जैसे शैतानों पर क्या असर करेंगे? तुम पर तो उस दिन भी असर नहीं हुआ था जब अपने प्रेमिका को दूसरे मर्द के साथ रात गुजारने भेज रहे थे। तुमसे कौन इंसानियत की उम्मीद रख सकता है? गोली मारो इंसानियत को। हमारी पोजीशन देखो, आज हम हर हाल में कन्वर से बड़े हैं, इज्जत में, शोहरत में, रुतबे में। यही सब कुछ हम तुम्हें बताने के लिए आए हैं। कसाई की छुरी चाहे कितनी भी चमकदार, धारदार, लंबी हो, गर्दन काटने के लिए ही काम आती है।
तुम्हारी दौलत शोहरत रुतबा सब कुछ लोगों की बलि चढ़ाने के लिए ही काम आएगा। संध्या भूल जा सब वो पुरानी बातें, सब कुछ ठीक हो सकता है। हम तुम्हें वो सब कुछ देंगे इसकी तुमने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। बस कोर्ट में सिर्फ इतना कह दो कि तुमसे डरा धमका कर वो फाइल ले गई। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हमेशा एक ही बात कहूंगी कि फाइल मेरे ही हाथों से गायब हुई है, मगर नहीं जानते कि कौन ले गया। संध्या तुम्हारी बेवकूफी हमें मजबूर कर रही है कि हम तुम्हारे हाथों में भीख का कटोरा दे दें। जानती हो उसके बाद क्या होगा? जो काम तुमने हमारी तरक्की के लिए नहीं किया वो अपने पेट के लिए करती फिरोगी। ना जाने कितनों के बिस्तर गर्म करने पड़ेंगे। अगर किसी दिन इतना हार गई तो आत्महत्या कर लोगी? अपना मकसद पूरा करने से पहले नहीं मरूंगी। इतनी बकवास इसलिए कर रही है कि वो गुंडा कन्वर तेरा हिमायती है, लेकिन ये मत भूल कटी पतंग भले कितने ही ऊंचे पेड़ पर क्यों ना अटक जाए, ज्यादा देर हवा में नहीं ठहर सकते, उसे नीचे आना ही पड़ेगा, और वो भी चिंती चिंती होकर। तुम मुझे कटी पतंग समझकर यहाँ आए हो, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि मैं एक अटल औरत हूँ जिसे तुम जैसा शैतान नहीं दिखा सकता। ये समझते हुए माननीय मंत्री महोदय, इससे पहले कि मैं यहाँ से आपको धक्के मार कर निकाल दूं, आप अपनी मनुष्य सूरत लेकर यहाँ से चले जाइए। संध्या तुम मेरे जीवन की प्रेरणा हो, वरना मेरे जीवन में रखा ही क्या है, कुछ नहीं। सूरज एक तो तुम इतने निराश हो और ऊपर से पढ़ाई छोड़ रहे हो, कुछ ही दिनों की तो बात है तुम वकील बन जाओगे। अरे गोली मारो पढ़ाई को, क्या रखा है पढ़ाई में? सूरज प्रकाश के जीवन का मकसद तो सत्ता में प्रवेश करना है, और वो वो करके ही रहेगा। Thank you.
नमस्कार, आधा वर्ज है। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। कहिए। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं जॉन जानी जनार्दन, मैंने आपको फोन किया था, फोन। ओह हाँ हाँ, बताइए आपका केस क्या है? ताज्जुब, सरप्राइज, अचरज, मैंने सब कुछ तो आपको कान फुसफुसी यंत्र पे बता दिया था, टेलीफोन पे। हाँ, लेकिन टेलीफोन पे सारी बात सुनाई नहीं दी थी, फिर से बताएंगे। ओहो, आपका टेलीफोन तो बड़ा बुद्धू, बड़ा अहमक, बड़ा इडियोटिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। बात दरअसल ऐसी है कि मेरा केस लड़ने के लिए शहर के बड़े बड़े वकीलों के अंदर स्पर्धा, कंपटीशन, मुकाबला हो जाता है, लेकिन किंतु परंतु ये मामला स्त्रियों का है, औरत का है, वुमन का है, इसलिए मैंने सोचा ये मामला आप ही निपटाए तो बेहतर होगा। धन्यवाद। अब आप केस की डिटेल्स बताएंगे। ये बड़ा सादा, बड़ा सिंपल, बड़ा आसान सा है। वो यूं है कि मैं अपनी पत्नी, अपनी वाइफ, अपनी बीवी सीमा सुनीता शरीफा से तलाक लेना चाहता हूँ। आपकी तीन बीवियां हैं? ओहो नहीं, बीवी तो एक ही है, पर उसके रूप अनेक हैं, और वही मैं बर्दाश्त, सहन, टॉलरेट, हाँ वही रेट, बस मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप तलाक क्यों लेना चाहते हैं? ओहो, अब आपसे क्या छुपाना, आप मेरी वकील, लॉयर, भाड़ू है। बात दरअसल ऐसी है कि मैंने अपनी वाइफ, पत्नी, बीवी के ऑर्नमेंट्स, गहने, जेवर अब बेचकर बिजनेस में डाल दिए। अब बिजनेस में लॉस, नुकसान, घाटा हो गया, तो घर में झगड़े होने लगे, जूते चप्पल चलने लगे, मैंने क्रोध में आकर, गुस्से में आकर, एंगर में आकर उसकी टांग तोड़ दी। ओ, अब वो अपने भाई, बंधु, ब्रदर से मिलकर मेरी हड्डियां तोड़वाना चाहती है। अब देखिए, आप कोई ऐसा रास्ता निकाल दीजिए कि मेरा डिवोर्स हो जाए, यानी तलाक हो जाए। अब एक दफा तलाक हो जाएगी तो मेरा उससे कोई नाता, रिश्ता, रिलेशनशिप नहीं रहेगा, है जी। और एक दूसरी कन्या है जो 5 लाख रुपए दहेज में लेके आने वाली है। अब देखिए, आप मेरे जल्दी जल्दी मेरा काम पटा दीजिए, क्योंकि मामला अर्जेंट है, तो मैं वो मर्डर यानी कत्ल हत्या वाला केस भी आपके हवाले कर दूंगा। आपके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा रास्ता ढूंढा। ओह, मैं तो पहले ही समझ गया था कि आप कितनी बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, अकलमंद है। फौरन मुझे बता दीजिए रास्ता, ना फौरन बता दीजिए। रास्ता हम बताते हैं, चलो। थैंक यू सुंदर जी। मैंने क्या किया, मैंने इनकी टांग तो नहीं तोड़ी थी, मैंने नेवर ब्रोक हिज लेग आई। क्योंकि आपने एक औरत पर जुल्म, टॉर्चर, अत्याचार किया है। कोई बात नहीं वकील जी, मेरी पहुंच सेंटर, केंद्र, मरकज तक है, मैं इस बात का बदला जरूर लूंगा। रिवेंज, इंतकाम, समझी, अंडरस्टैंड। अबे चल बाहर। हाँ चलता है ना, हम क्या बाय बाय भी नहीं बोलेगा क्या? चलो चलो सीधा चलो। नाल ठोक दी मेरी, नाल ठोक दी जालिमों ने मेरी। ये क्या किया बेटी, अगर केस पसंद ना आए तो मना कर दिया करो, खामखा दुश्मन क्यों बना रही हो? चाची जी,
लोग काला कोट पहनकर अदालत में खड़े होते हैं सत्य और न्याय की रक्षा के लिए, ना कि झूठ और अन्याय का साथ देने। लेकिन बेटी, हमें अपने पेशे को चलाने के लिए अपने इंसान का पेशा सिर्फ रोटी कमाने के लिए ही नहीं होना चाहिए, कुछ मर्यादा भी तो होनी चाहिए। वो वकील कैसे होंगे जिन्होंने हमारे महान नेताओं के कातिलों की सफाई पेश की होगी, उन्हें फांसी के फंदे से बचाने की कोशिश की होगी? नहीं शास्त्री जी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। जीती रहो मेरी बच्ची, तुम्हारे इरादे बहुत मजबूत हैं। तुम्हारा पेशा भले तुम्हारा साथ छोड़ दे, मगर तुम्हारा विश्वास हमेशा हमेशा तुम्हारा साथ देगा। वकील साहब, कन्वरलाल ने पहाड़ों का सीना चीर कर अपना रास्ता बनाया। वो गरीब बेसहारा और शरीफ लोगों के कांधों पर पैर रखकर ऊपर नहीं आया। अफसोस तो इस बात का है कि आज मेरी वजह से संध्या और मासूम बच्चा तकलीफ उठा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं सर, उन बेचारों का जीना सचमुच मुश्किल हो गया है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सलीम जाओ, उन्हें जो भी चाहिए दे दो, जितना भी पैसा खर्चो, उन्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। माफ कीजिएगा सर, आप भी संध्या देवी को नहीं पहचान सके। वो औरत इस समाज में एक बच्चे के साथ अकेली रहती है जिसके बाप का नाम किसी को नहीं पता। उसका कोई नहीं है दुनिया में सर, सिवाय शास्त्री जी के जो अनाथालय की देखभाल करते हैं। हर तकलीफ सही है सर उसने, लेकिन आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बड़ी खुददार औरत है सर, ऐसी महान औरत के पास मदद लेकर जाना हमें शोभा नहीं देता। आप खुद जाएं तो ज्यादा मुनासिब होगा सर। हेलो संध्या जी, मेरा नाम कन्वर लाल है, पहचाना? भयानक सपने इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हूँ? एक्सक्यूज मी, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? घबराइए मत, अब कोई भयानक सपना आपकी आंखों तक नहीं पहुंचेगा। फिर भी अगर तूफान आने की खबर हो जाए तो इंसान अपने बचने का इंतजाम कर सकता है। आप जो चाहे कह सकती हैं, मैं आपका मुजरिम हूँ। मैंने अपने आप को बचाने के लिए आपको मुसीबत में फंसाया, लेकिन आज मैं अपनी गलती का सुधार करने आया हूँ। ये हैं 2,00,000 रुपए, मेरी वजह से आपका जो नुकसान हुआ है उसे ये पूरा कर देगा। क्या ये मेरी इज्जत वापस दिला सकता है जो मैं खो चुकी हूँ? क्या ये मेरी मर्यादा लौटा सकता है? मेरी ईमानदारी और शराफत पर से वो कलंक मिटा सकता है जो आपने लगाया है? ऐसे पैसों की अहमियत आप लोगों की नजर में हो सकती है जो मान मर्यादा की कीमत नहीं जानते। मैं ऐसे पैसों पर जीने से मरना बेहतर समझती हूँ। देखिए संध्या जी, डोंट बी इमोशनल, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपको मुजरिम बनाकर मैंने अपने आप को बचाया, ये एहसान है मुझ पर, और कन्वरलाल कभी किसी का एहसान नहीं लेता। आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई। आपको पैसों की जरूरत है, इतना खुददार होना भी अच्छा नहीं। प्रैक्टिस शुरू करने के लिए, राजू की देखभाल के लिए ये रुपया आपके बहुत काम आएगा। आज के बाद कभी भी जरूरत पड़े तो समझ लेना कन्वरलाल कर्जदार है। एनी टाइम। ये रहा मेरा पर्सनल नंबर 571042। संध्या जी, मेरे रास्ते गलत हो सकते हैं, मेरी दौलत हराम की हो सकती है, लेकिन इस सीने में जो दिल धड़क रहा है वो बुरा नहीं है, उसमें आपके लिए कोई छल नहीं है। डोंट फॉरगेट माई टेलीफोन नंबर 571042। राजू की फीस जमा कर लीजिए, आइंदा कोशिश करूंगी कि टाइम पर जमा कर सकूं। लेकिन राजू की फीस तो 3 दिन पहले ही भरी जा चुकी है। भरी जा चुकी है? किसने भरी? ये तो मुझे पता नहीं।
संध्या बेटी जी, कोई आदमी कार में आया था, तुम्हारे लिए सामान दे गया है। कौन आया था मौसी? बेटी पहले उसे कभी नहीं देखा। अच्छा, संध्या जी, मैंने अपने स्वार्थ के लिए आपको इस्तेमाल किया, ये मुझसे सहन नहीं होता। आपकी चूड़ियां और चेन भेज रहा हूँ, नाराज होकर वापस मत कीजिएगा। जिंदगी की आखिरी सांस तक मदद करूंगा कन्वर लाल। संध्या देवी, आपके बारे में मेरे सारे अंदाजे गलत साबित हुए। जो रकम आपको देनी चाहिए वो आपने ठुकरा दी, और अब जो मदद मैं आपको बताए बगैर कर रहा हूं वो भी आपको पसंद नहीं। आपको समझना बहुत मुश्किल है, न जाने किस मिट्टी की बनी हुई हैं आप। जिस मिट्टी से हर इंसान बना हुआ है, लेकिन आप सिर्फ उन औरतों को समझ सकते हैं जो दौलत की लालच में अपने बदन का सौदा करते हैं, या फिर उन लोगों को जो आपके गुलाम हैं, जो पैसे के लिए इंसान की जान भी ले सकते हैं। आप सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ सकते हैं क्योंकि उन्हीं हैवानों के बीच आपने अपनी जिंदगी गुजारी है। मिस्टर कन्वरलाल, आपने खत में लिखा कि आखिरी सांस तक मेरी मदद करेंगे। कौन होते हैं आप मेरी मदद करने वाले? आप गुंडे बदमाशों के लिए भगवान होंगे, मुझ जैसी औरत के लिए नहीं जिसकी आत्मा अब भी जिंदा है। मुझ जैसी खुददार औरत की तो आप दुश्मन हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन आपकी मदद करना मेरा फर्ज बन गया है, और ये कोशिश तब तक चलती रहेगी जब तक आप ना कहते कहते थक ना जाए। और कन्वरलाल जो सोचता है कर दिखाता है, मेरा इरादा कोई नहीं बदल सकता। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं आपके इरादों में। जो नुकसान मुझे हुआ है वही काफी है। अब बार बार मेरे घर आकर मुझे बदनाम करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठहरिए संध्या जी, अगर आपको मदद पसंद नहीं तो मेरे यहाँ काम कर लीजिए, मेरे सारे केसेस हैंडल कीजिए। उसके एवज में मैं आपको उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर से 10 गुना ज्यादा तनख्वाह दूंगा जिसने आपकी वफादारी पर शुभा किया, आपकी अदालत में तोहिन की। इस तरह हम दोनों की समस्या हल हो जाएगी, आपकी जिद और मेरी ख्वाहिश। जी नहीं, मुझे आपके अपराधों की साझेदार नहीं बनना। झूठे केस अदालत में लड़ना मेरी आदत नहीं है, और जिस दिन इतनी मजबूर हो गई जहर खा लो। आत्महत्या बुजदिली है, और हालात के खिलाफ बिना सोचे समझे जिद करना बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं बुजदिल हूँ क्योंकि औरत हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो कड़वाहट है वो आप ही की दी हुई है। खैर, आप जो कर सकते थे आपने किया। ये जेवर यहाँ पड़े हैं, जो पैसा आपने मुझ पर खर्च किया है काम मिलते ही वापस कर दूंगी। काम मिलना इतना आसान नहीं है संध्या देवी। 10 घरों के बर्तन तो मार सकती हूँ, पाके करूंगी, अपने बच्चे का पेट काटूंगी, लेकिन आपकी पाई पाई चुका दूंगी मिस्टर कन्वरलाल। गुड बाय। मिस्टर कन्वरलाल, कितनी बार मैंने नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं मिस्टर श्री जनाब कन्वरलाल नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपका शुभचिंतक जॉन जानी जनार्दन बोल रहा हूँ, जिसे आपने प्रिजन जेल कारागार में भिजवाया था, और आपने मेरे 2 लाख रुपए का नुकसान कर दिया था, 2 लाख का, वो तो आपको चुकाना ही है ना। क्या मैं दोबारा पुलिस को फोन करूं? शौक से फोन कर लीजिए। अगर आप अपने बेटे की लाश, डेड बॉडी, मृतक शरीर देखना चाहती हैं, तो शौक से फोन कीजिए। क्या किया मेरे बच्चे को? कहाँ है मेरा बेटा? ये तुम्हारा बेटा यही है मेरे पास, दूध पी रहा है, मैं उसे सीधा स्कूल से यही ले आया था। बस 2 लाख रुपए कैश धन पैसा ले आओ और अपने सन पुत्र लड़के को ले जाओ। भगवान के लिए सम्मत कहो, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? ओहो, आपको क्या फिक्र है, बैंक तो खुद चल के आपके घर में आता है, आपका वो दोस्त मित्र फ्रेंड है ना कन्वरलाल। मैं उनसे पैसे नहीं ले सकती। सोच लो, अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हारे बेटे की गर्दन मुंडी नेक तोड़ दूंगा। कड़क ओहो, ठीक है, तुम रात तक पैसों का अरेंजमेंट इंतजाम प्रबंध कर दो, मैं आधी रात को फिर फोन करूंगा। मिडनाइट, गुड नाइट।
हेलो तो ये वारदात कल सवेरे की है। आई बेग योर पार्डन सर, सुबह 6 बजे की। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को कोई गुंडा उठा ले गया है, भगवान के लिए प्लीज जल्दी कीजिए ना। एक मिनट, अगर हम उसे नहीं ढूंढ सके तो नौकरी हाथ से जाएगी, कहाँ जा सकता है। गवाहों के मुताबिक दीवार कूद कर भागा था। आई बेग योर पार्डन सर, मेरे ख्याल में वो बिजली के खम्बे के पास से भी गुजरा होगा, क्योंकि खम्बा गीला था, जरूर उसने एक नंबर किया होगा। ऑफिसर, मेरा बच्चा किडनैप हो गया है, वो लोग 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, अगर 24 घंटे में पैसे नहीं दिए तो वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे। हम जिसे ढूंढ रहे हैं उसका पता बताने वाले को 10 लाख रुपए मिलेंगे। सर, ये किस बिना पर कहा जा सकता है कि बिजली का खंबा इसलिए गीला हुआ कि उसने एक नंबर किया? कोई गवाह, कोई सबूत, कोई विटनेस? उसके अलावा खंबा गीला करने की आदत किसको है? मेरा बेटा गायब हो चुका है और आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। आई बेग योर पार्डन सर, ये वही लड़की है जो अदालत में मंत्री जी के खिलाफ खड़ी हुई थी। आई सी। मैडम, ये लीजिए और इसमें आप अपनी रिपोर्ट लिख दीजिए, आपका बेटा कब, कहाँ और कैसे खोया, उसने किस रंग का पटा, आई मीन कपड़े पहने हुए थे। हम इंक्वायरी करके टीवी में फोटो भी दे देंगे, आपको खर्चा वर्चा नहीं करना पड़ेगा। ए लड़की, चलो चलो, सरकारी टाइम जाया मत करो। आई बेग योर पार्डन मैडम, जाइए। एक्सक्यूज मी सर, कुत्ता। अबे ओ इडियट, कुत्ता नहीं पप्पी, नहीं नहीं नहीं, पप्पी साहब, आईजी साहब का कुत्ता साहब। रुकिए, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। संध्या, तुम कहो कैसे आना हो? हमारे बेटे को कोई उठा ले गया है सूरज, न जाने उस मासूम को कहाँ छुपा रखा है। हमारा बेटा सूरज। क्या बकवास कर रही हो, सबन बंद रखो। तुम चाहो तो उसे बचा सकते हो, इस वक्त तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। ओ। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। तुम जैसी बहादुर औरत की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। तुम कोई मामूली औरत नहीं हो संध्या, एक घटिया नीच आदमी के कदमों में आज गिरना चाहती हो? तुम्हारी खुददारी का क्या होगा? बेटा खो गया है इसलिए आंखों से इतने आंसू बह रहे हैं। तुम जैसी औरत का सड़कों पर रोते पीटते दौड़ना अच्छा नहीं लगता, ये तो औरत जात की तौहीन होगी देवी। भगवान के लिए अपना बेटा न सही, एक मासूम समझकर तो उस पर तरस खाओ। वो बेचारा अपने हाथों से खाना भी नहीं खा सकता, भूख के मारे बिल मिला रहा होगा मेरा बच्चा। अपनी पत्नी न सही, एक बेसहारा औरत समझ कर तो मेरी मदद कीजिए प्लीज। कौन हो तुम, क्या हंगामा मचा रखा है? दुखिया है बेचारी, किसी ने इसके बेटे को उठा लिया है। देवी जी, आप मंत्री जी का समय क्यों बर्बाद कर रही हैं? सर, ये हमारा काम है, हम देख लेंगे, आप गाड़ी में बैठिए। जय राम। Thank you.
हेलो हेलो, कौन है? हेलो, मैं संध्या बोल रही हूँ। संध्या, क्या बात है संध्या? तुम बहुत परेशान लग रही हो। बोलो संध्या। कन्हैयालाल जी, जवाब दो। मेरे राजू को वो जान जानी जनार्दन उठा ले गया है, 100 लाख रुपए मांग रहा है। कहाँ दिलाऊंगी मैं इतने रुपया? प्लीज मेरे राजू को बचा लीजिए, मैं राजू के बिना जिंदा नहीं रह सकती। भगवान के लिए मेरे राजू को बचा लीजिए। शांत हो जाओ संध्या, कन्हैयालाल के होते हुए तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। अब ये बताओ, उस बदमाश ने रुपए कहाँ मंगाए हैं? कुछ नहीं बताया, उसने कहा वो आधी रात को फोन करेगा। लगता है उसी का फोन है, फोन उठाओ। हेलो। टांग टांग, टाइम, वक्त, समय खत्म हो गया है। उसी का फोन है। हेलो, जॉन जॉनी जनार्दन। कौन है बे? बीच मिडिल दरमियान में टपक पड़ा है? कन्हैयालाल नाम है मेरा। क्यों बे, सारे बदन में भौंचाल आ गया? फोन ठीक से पकड़ चुए? खुद बिल से निकल कर आ जा, अगर खोद के निकाला तो बुरा हाल करूंगा। बोल, कितनी रोटी चाहिए? सिर्फ केवल ओनली 2 लाख रुपए। कहां पर लेकर आऊं? ओ बिल्कुल नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम फोन पर ही मुझे लात ठोकर किक मार के मेरा बाजा बजा दोगे। ओहो भाई कन्हैयालाल, इतने खामोश क्यों हो? तो तू क्या समझता है, तू मुझसे छुप सकता है? ठीक करेक्ट सही समझा, मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ कन्हैयालाल भी नहीं पहुँच सकता। एक बात कान खोल कर सुन ले कुत्ते, अगर बच्चे को कुछ हो गया ना तो तेरे खानदान का कोई नाम लेवा नहीं होगा। हेलो फायर ब्रिगेड, क्या आप बता सकते हैं कि अभी अभी शहर के किस हिस्से में आग लगी है? जनकपुरी में। जनकपुरी, थैंक यू। क्या हुआ मेरे बच्चे को? धीरज रखो संध्या, कल सूरज निकलने से पहले तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद में होगा। चलो। तो आग इस जनकपुरी में लगी है, इसका मतलब है वो चूहा यहीं कहीं छुपा है। अब पता लगाना है कि इस इलाके में फोन किस किस के पास है। ये इलाका तो झोपड़पट्टी है सर, फोन होना बहुत मुश्किल है। लेकिन सर, वहाँ एक बदनाम होटल चंदना है, वहाँ फोन जरूर होगा। होटल चंदना। इस होटल के मालिक कहाँ हैं? कहिए सर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं आधे घंटे से इस होटल का फोन ट्राई कर रहा था, लगता ही नहीं है। लगता है आपका फोन बहुत बिजी है। नो सर, आधा घंटा पहले एक कस्टमर ने फोन किया था, उसके बाद से तो फोन खाली है। कौन था वो कस्टमर? वो एक डांसर और एक छोटे बच्चे के साथ ऊपर। कौन से कमरे में? वो तो बच्चे को लेकर चला गया, सिर्फ डांसर ऊपर है। किस कमरे में? आप चाहते क्या है सर? वही जिसके लिए वो यहाँ आई है। ये लो। नो सर। अरे ले लो यार, लो। रूम नंबर 517 सर। कौन है? जॉन जॉनी जनार्दन। दरवाजा खोलो, मनी पैसा धन मिल गया। कौन है आप? पहले ये बताओ, जॉनी कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं? पता नहीं। सचमुच नहीं? नहीं। मैं सोच रहा हूँ ये कटार की धार कितनी तेज है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये कटार इस गर्दन पे फिर गई तो ये सर इस जिस्म से अलग हो जाएगा। क्या सोच रही हो देवी जी, कटार चलवा दूं या बताती हो? बताती हूँ, बताती हूँ।
आप यहीं ठहरिए, अंदर हम लोग जाते हैं। ठहरो, उस चूहे से हिसाब मैं खुद करूंगा। अबे तो फिर रो रहा है साले, पहले भूख के मारे रो रहा था, मैंने बियर दी, फिर बियर के तो मम्मी के लिए रोने लगा। इतना सा छोकरा है और मुझे इतनी तकलीफ ट्रबल कष्ट दे रहा है। अबे नहीं, नहीं, चुप हो जा, थोड़ा फोड़ा हुआ तेरा। हाँ मारते आओ, मुझे मालूम है कि जब भेड़िए की मौत आती है ना तो वो नगर शहर सिटी की तरफ भागता चला आता है। ए बचा लोग, इसको जरा निचोड़ो, इसका अर्क जूस रस निकालो। अबे जाड़िए, जूस रस अर्क किसका निकलता है, अभी दिखाता हूं। जाओ बेटे, अपनी माँ के पास जाओ। मम्मी, राजू, कहाँ थे मेरे बेटे? कन्हैयालाल जी, मेरे बच्चे की जान बचाकर आपने मुझे खरीद लिया है। इतना बड़ा एहसान किया है कि जिंदगी भर इसका बदला नहीं चुका सकूंगी। कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो अपना सौभाग्य समझूंगी। सॉरी संध्या जी, कन्वरलाल कभी किसी के सहारे नहीं जीता है। बाय। अंकल, एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा। वादा? वादा। जो पार्टी जनता के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर सकती उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस की अयोग्यता और मंत्री की लापरवाही, विधानमंडल की अपघात बैठक, मंत्री सूरज प्रकाश के कड़े व्यवहार के विरुद्ध विरोधी पार्टियों का संयुक्त विरोध। ये खबरें अखबारों की सुर्खियों में छप रही, रेडियो पे सुनी जा रही, टीवी पे दिखाई जा रही। मैंने सोचा था आप एक योग्य व्यक्ति, इसीलिए आपको मिनिस्टर बना, लेकिन आप बिल्कुल असफल सिद्ध हुए। आपकी अयोग्यता की वजह से विपक्षी पार्टियां मंत्रिमंडल का इस्तीफा मांग रही, त्याग पत्र मांग रही। जब एक बेसहारा औरत अपने लड़के की रिहाई के लिए आपके पांव पकड़ रही थी, उस वक्त तो उसकी मदद करने के बजाय आप व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने लगे।
क्या यही मौका मिला था छिछोरा बन दिखाने का? जो जनता के हितों की चिंता नहीं करता वो मंत्री पद के योग्य नहीं। जो पुलिस जनता के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर सकती वो जिम्मेदाराना अहदों के काबिल नहीं। मुख्यमंत्री महोदय, केवल मंत्रिमंडल का मुखिया होने के नाते आपको ये कतई अधिकार नहीं कि आप जैसे चाहें बातें करें। आप शायद भूल रहे हैं कि पार्टी के 50% MLA मेरी जेब में पड़े हैं। एक अविश्वास प्रस्ताव आपकी सेहत खराब कर सकता है। मैंने भी उसी राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ली है जिसके समक्ष आपने। हमारे पद जरूर थोड़े अलग अलग हो सकते हैं मगर हमारी ताकत में ज्यादा फर्क नहीं। मुझे मंत्री आपने नहीं, हाई कमांड के आशीर्वाद ने बनाया है। संभव है लेकिन विडंबना है। आज हम उन्हीं कुर्सियों पर बैठे जिन पर वो महान नेता विराजमान होते थे, जो निस्वार्थ जनता की सेवा करते थे। कल आप विधानसभा में ऑपोजिशन का जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए वरना मैं आपके त्याग पत्र का इंतजार करूंगा। आप बूढ़े हो गए हैं। ऐसे ऐसे छोकरे हाई कमांड की धौंस देते। मंत्री जी, आपने आरोपों का क्या उत्तर दिया मुख्यमंत्री जी को? अपोजिशन ने आपसे त्याग पत्र की मांग की थी, क्या आप त्याग पत्र देंगे? क्या आप उस फरिश्ते का नाम बता सकते हैं जिसने उस औरत के बच्चे को बचाया? देखिए, मैं मुख्यमंत्री महोदय की कुशलता जानने के लिए आया था। कल वो सूखा पीड़ित इलाकों का दौरा करने के लिए गए थे जहाँ वो फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। अच्छा, जयराम जी की आखिर आप चाहते क्या है? अगर आप ये समझती हैं कि कन्वर के साथ मिलकर आप हमें नीचा दिखा देंगी तो ये आपकी भूल है। हम सूरज हैं, हमें चमकने से कोई नहीं रोक सकता। हम दुनिया पर चमक कर ही रहेंगे। तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो जाओ, तुम्हारी पुलिस, तुम्हारी सरकार कन्वर लाल को हिला भी नहीं सकती। वो चट्टान की तरह अटल है। तुम तो उसके सामने बहुत छोटे आदमी हो। हम जानते हैं संध्या, क्योंकि आप हमें पा नहीं सके इसलिए जलन में ऐसी घटिया हरकतें करती फिरती हैं। मछली जाल में तड़पती है, जाल से निकल कर नहीं सूरज साहब। और गंदे खेल तो हमेशा आप लोग खिला करते हैं क्योंकि डर हमेशा आप लोगों को लगा रहता है कि अगर सिर्फ 2 MLA ने साथ छोड़ दिया तो सारी मिनिस्ट्री हाथ से निकल जाएगी। मिनिस्टर तो एक भिखारी भी बन सकता है अगर उसे वोट मिल जाए, लेकिन अगर आपकी मिनिस्ट्री चली गई तो आपको कोई भीख भी नहीं देगा। सचमुच तुम राजनीति के लिए सही आदमी हो, लेकिन अपने बेटे और अपनी जिंदगी पर तुम्हारा मनुसाया कभी नहीं पड़ने दूंगी। सूरज और संध्या का मिलन कभी हो ही नहीं सकता। जब जब संध्या आएगी सूरज को अपना मुंह छुपाना ही पड़ेगा। मेरी दहलीज पर तुम्हारे कदम मेरी शांति को भंग करने वाले तूफान की तरफ इशारा करते हैं जो थम चुका है। तुम्हारा इस घर में अपने कदम नहीं रखना। केवल बकबकाने से भाग्य नहीं बदला करता संध्या, विनाश काली विपरीत बुद्धि दुर्भाग्य। अब तो हम तुम्हारे लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकते। मम्मी, 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 ये अंकल कौन है? ये अंकल नहीं मंत्री जी बेटे, यू कैन गो नाउ। नमस्कार नेताजी। नमस्कार, तुम बैठे रहो। मंत्री साहब हैं? बिल्कुल हैं जी, और आपकी प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। क्यों श्याम प्रसाद जी? सत्यवचन राम प्रसाद जी, वो आ गए। नमस्कार साहब, नमस्कार। पाई लागू सरकार। सुखी रहो, सुखी रहो। कैसा चल रहा है बालक? सब ठीक है साहब, कहिए कैसे याद किया? बहुत दिनों से नजर थी तुम पर, सोचा कुछ कर ही डाले तुम्हारे लिए। जानते हो राजनीति क्या है और कितनी ताकत है इसमें? जी सरकार, लोग कहते हैं कि इंसान 10 उंगलियों में चक्र लेके पैदा हो या फिर नेता बन जाए, दोनों ही तरह राज करेगा। बस वही राज गद्दी हम तुम्हें सौंपना चाहते हैं। सोच रहे हैं अपनी पार्टी के सेवा संघ का तुम्हें प्रेसिडेंट बनवा दें, हा? मगर हमें ये मालूम ही नहीं कि तुम कितने पॉपुलर हो और जनता में तुम्हारी क्या इमेज है। साहेब, मैं बहुत मशहूर हूँ, हर पेपर में मेरा नाम छपता है। बालक, राजनीति में अगर कुछ अच्छा स्थान बनाना चाहते हो तो जनता पर जादू चलाने के लिए कुछ चमत्कार करने पड़ेंगे। सरकार, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए, फिर देखिए जंगा का चमत्कार।
पिछले दिनों अखबारों में खबर छपी थी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जूनियर, क्या नाम है उसका, संध्या, उसका बच्चा अगवा हो गया और हम पर यह आरोप लगाया गया था कि हमने कोई एक्शन नहीं लिया, यहाँ तक कि पुलिस ने भी उस औरत का साथ नहीं दिया और एक अजनबी फरिश्ता उस बच्चे को वापस ले आया। अब अपोजिशन वाले हमसे ये कहकर त्याग पत्र की मांग कर रहे हैं कि हमने बड़ी कठोरता का परिचय दिया। पढ़ा था तुमने? सरकार, पढ़ा तो था, उससे आपकी बड़ी बदनामी हुई थी। और वो अनजान फरिश्ता और कोई नहीं, कन्वरलाल, जो अपनी चाल में कामयाब हो गया। खैर, हम अब उसे ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं जिससे कि वो कांप उठे और आइंदा इस बात का ख्याल रखे कि सूरज प्रकाश को छूते ही वो जलकर राख हो जाएगा, इसलिए अब उसे उसी की तरह का झटका देना अति आवश्यक है। मुझे क्या करना होगा सर? उसके तमाम अड्डों को तहस नहस कर दो बस। सरकार, कन्वरलाल तो दो नंबर वालों का बेताज बादशाह है, उसके मामले में टांग अड़ाने का मतलब है खुद अपनी कब्र खोदना। सरकार, उसकी पहुंच तो मुख्यमंत्री तक है। इसी को कहते हैं एक तीर और दो निशाने। तुम कन्वरलाल को बर्बाद करो और हम मुख्यमंत्री से भुगत लेंगे। तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म? मजदूरों और उनके लीडरों को इकट्ठा करो और हड़ताल शुरू कर दो। लेकिन साहब, बिना कारण स्ट्राइक कैसे हो सकती है? देखो बालक, कन्वरलाल की एक शराब की दुकान चर्च से लगी हुई और एक परमिट बार मंदिर से 2 कदम की दूरी पर है। तुम इस बात पर हंगामा खड़ा कर सकते हो कि इससे हर धर्म के लोगों को असुविधा होती है, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। बस धर्मों के ठेकेदार तुम्हारे साथ हो जाएंगे और उनकी सहायता से तुम कन्वर की बर्बादी भी कर सकोगे और हम शांति कायम करके जनता के समक्ष धर्म निरपेक्ष होने का श्रेय भी प्राप्त कर लेंगे। तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो भाई? आराम से मेरी बात तो सुन लो। आओ, आओ आराम से बैठ के बातें करते हैं। प्लीज देखो भाई, मेरी बात सुनो, ये सब तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए ना, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, ये लो इतने सारे पैसे, लेकिन अपने दोस्तों से कहो ये बंद कर दें, ये हंगामा क्यों कर रहे हैं बोलो। बर्बादी मैंने अपनी आंखों से देख ली है। सम्राट अशोक ने कालिंगा के मैदान में जब सिपाहियों की लाशें देखी तो उनका मन पश्चाताप से भर आया था, लेकिन कन्वरलाल के मन में बदले का तूफान उठा है। मेरे खिलाफ उठने वाले हाथ किसी के इशारे पर उठे हैं, उस इशारा करने वाले का सर धड़ से अलग करने का वक्त आ गया है। जगन, जिन हाथों ने मेरी बर्बादी के लिए इशारा किया है उन्हें उनके कांधों से अलग करना पड़ेगा। जो पैसे दिए थे ना वो मेरे पास ही है, तुम अगर चाहो तो इन्हें ले जाओ। हाँ, ले जाओ इन्हें, जाओ। इसके शहीद होने का लाभ उठाइए वकील साहब, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए। जगन को सजा होनी ही चाहिए। सजा तो हो ही जाएगी सर, लेकिन ऐसे गवाह होने चाहिए जिन्होंने जंगा की हत्या होते हुए अपनी आंखों से देखा हो और अदालत में जाके जोरदार गवाही दे सके। अरे तो हम किस मरज की दवा हैं?
क्यों ना प्रसाद जी? सत्यवचन श्याम प्रसाद जी। अरे भूल गए, कतनी बार हमारी गवाही की वजह से कतने अपराधी छूट गए। हाँ। अजी कितने कातिलों को और बलात्कारियों को हमने अपनी गवाही के चमत्कार से बचाया। हाँ। है। हमारी शक्ल देखते ही जज साहब फैसला सुना देते हैं, जिसकी तरफ से इन दोनों की गवाही है वो निर्दोष ही होगा। क्यों श्याम प्रसाद जी? सत्यवचन राम प्रसाद जी। हाँ, परंतु पीपी साहब भूल गए हैं कि इन्हें धोबन के बलात्कार वाले केस से हमने बचाया था, और हमारी गवाही से ही साबित हुआ था कि पीपी साहब तालाब पर सिर्फ मछली का शिकार करने गए थे। किसी भी हाल में वकील साहब जगन इस केस में बच जाना चाहिए। सर बहुत बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, वो बेवकूफ रंगे हाथों पकड़ा गया सर। अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित करना ही वकील की काबिलियत साबित करता है। हाँ सर, लेकिन आप समझते क्यों नहीं है, सारे हालात हमारे खिलाफ हैं। उन लोगों ने दो ऐसे गवाह पकड़ लिए हैं जो वो बातें करना शुरू करते हैं तो घंटों मजमा लगा रहे। सर नेता है दोनों, सर नेता है, झूठ इतने विश्वास से बोलते हैं कि मुर्दे को भी कातिल साबित करके उसे फांसी पर चढ़ा दे। सर आज तक उन लोगों ने जितनों के खिलाफ गवाही दी है उन लोगों का अंत सिर्फ जेल में हुआ है। बस सर हमें तो अब प्रार्थना करनी चाहिए कि कहीं जगन को उम्र कैद न हो जाए। जगन का बाल भी बांका नहीं होगा, वो कन्वरलाल का आदमी है। मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, जमीन आसमान एक कर दूंगा। हेलो, संध्या स्पीकिंग। संध्या, मैं कन्वरलाल बोल रहा हूँ। आप? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात? क्या है? कानून की सारी किताबें उलट पुलट कर डालो संध्या, लेकिन जगन को इस केस में सजा नहीं होनी चाहिए। सर बेकार में वक्त और पैसा बर्बाद किया जा रहा है। जिस केस को मुझ जैसा तजुर्बेकार और सीनियर एडवोकेट नहीं जीत सका, उस केस को ये बेचारी चार दिन से वकालत करने वाली क्या जीतेगी। सर कन्वरलाल जी, मैं ये केस जरूर लड़ूंगी, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जगन को आजाद कराना मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू। हम कसम खाकर कहते हैं कि हम कुछ कहेंगे सच कहेंगे, और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें झूठ कहने की आदत ही नहीं। क्यों श्याम प्रसाद जी? सत्यवचन राम प्रसाद जी। 1 अप्रैल गुड फ्राइडे की रात को ठीक 10:30 बजे जो घटना मृतक जंगा के घर में घटी, क्या आप उसे अदालत के सामने बयान करेंगे? जी हाँ, एक एक करके प्लीज। मैं बताता हूँ। ठीक उस दिन 10:30 बजे रात को जज साहब, हाँ जज साहब, 1 अप्रैल की रात को ठीक 10:30 बजे जब हम जंगा के घर में बैठ के गधों की पैदावार और उनके पालन पोषण के बारे में भाषण करने की चर्चा कर रहे थे, ठीक उसी समय जंगा के घर में जगन हाथ में उस तरह लेकर घुसा, और फिर उसने उस तरह खोला, जेब से चमड़े का पट्टा निकाला और लगा वस्त्रे को धार करने, फिर उसने जंगा की गर्दन पकड़ ली। हम समझे हजाम है, दाढ़ी बनाने आया होगा, लेकिन अचानक जगन ने जंगा का पेट मार दिया। खून की नदी बहने लगी सरकार, हम तो पत्तों की तरह कप कप आने लगे। डर के मारे हमने आंखें बंद कर ली, और जब आंख खोली तो जंगा स्वर्गवासी हो चुका था। योर ऑनर, इन दोनों माननीय नागरिकों की गवाही ये बात साबित करने के लिए काफी है कि स्वर्गीय जंगा की मौत जगन के हाथों हुई। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि अपराधी जगन को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। एनी क्रॉस एग्जामिनेशन? यस योर ऑनर। नमस्ते। मैंने सुना है कि आप दोनों बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। भाषण देने में आप दोनों का तो जवाब ही नहीं। अच्छे? अजी महान कहिए महान, अगर रोक टोक ना हो तो 6-6 घंटे तक भाषण दे सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी एक अमीर सहेली के साथ डांस का प्रोग्राम देखकर वापस लौट रही थी। तैमूर नगर में किसी का भाषण चल रहा था, आदमी बहुत अच्छा बोल रहा था। मेरी सहेली ने कहा कि अगर इस आदमी का मुझे पता चले ना, तो मैं तो उसे सोने की एक मोटी चेन भेंट कर दूं। और अभी अभी जब आपकी आवाज सुनी ना, तो मैं सोचने लगी कि शायद वो दोनों आप ही तो नहीं थे। श्याम प्रसाद जी बता दो। हाँ राम प्रसाद जी, ऐसा मौका हाथ नहीं आएगा। नाम का नाम, माल का माल। असल में देवी जी बात ये है कि उस रात को हम ही दोनों भाषण दे रहे थे। अच्छा अच्छा, ये बताइए आपने भाषण कितने घंटे तक दिया था? 3-3 घंटे दिया भाषण हम दोनों ने, मतलब पूरे 6 घंटे। मतलब सुबह तक? हाँ भोर हो गई थी, सूरज निकल आया था। 1 अप्रैल
गुड फ्राइडे रात को 10:30 बजे आपने तैमूर नगर में भाषण दिया, दिया? तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि उसी समय आप दोनों जंगा के घर पर भी थे? हाँ, एक ही समय पर दो दो जगह कैसे हो सकते हैं? तो फिर आपने जंगा की हत्या होते हुए कैसे देख ली जबकि आप दोनों तो भाषण दे रहे थे? हाँ, कंपनी बाग से तो जंगा का घर तो दिखाई ही नहीं देता, तो हम कैसे देख सकते थे? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जंगा की हत्या होते हुए नहीं देखी? नहीं देखी। योर ऑनर, अब ये साबित हो गया कि ये गवाह झूठे और किराए के हैं। अब एक बात जाहिर है कि कोई अपने मकसद के लिए मुकदमे को हवा दे रहा है। जरूरी सबूत और डॉक्टरी सर्टिफिकेट्स मैं अदालत में पेश कर चुकी हूँ जो मेरे क्लाइंट जगन को बेगुनाह साबित करने के लिए काफी है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि मिस्टर जगन को बेगुनाह मानकर उसे बाइज्जत बरी किया जाए। सॉरी संध्या, आज थोड़ी ज्यादा हो गई, लेकिन इसकी जिम्मेदार तुम हो क्योंकि तुमने हमारी हार को जीत में बदल डाला। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। नहीं बस और मत पीजिए। अरे संध्या, ये शराब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इस कम्बक में तो असर ही नहीं है क्योंकि इस सीने में जो ज्वालामुखी उबलते हैं वो तो शांति नहीं होते, वो तो इस तरह जैसे शिव जी के कंठ में विष। ये शराब मेरा कुछ नहीं कर सकती। शैतान कहेगी, होटो ही होटो में मुस्कुरा रही है, देखने में कितनी मासूम, पर बाप रे बाप, अदालत में वो धुआंधार बहस कर डाली कि बेचारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। जानते हो, आज से हमारे कन्वर एंटरप्राइजेस के केसेस कौन लड़ेगा? हमारी संध्या। सर ये क्या हो रहा है? सर मेरा क्या होगा? आपका, आप विश्राम करेंगे। हमें खुशी है कि आज तक आप हमारे केसेस लड़ते रहे। आज के बाद आप संध्या के जूनियर की हैसियत से काम करेंगे। जूनियर? और तब तक अपनी राय नहीं देंगे जब तक वो न मांगे। सलीम, आज से संध्या हमारी और हमारी कंपनी की वकील है। कल का सूरज निकलने से पहले वो पेन जिससे ये लिखे, वो सैंडल जो ये पहने, वो कपड़े जो इसके बदन की शोभा बढ़ाए और वो घर जिसमें ये रहे, सब हमारी तरफ से हमारी कंपनी की शान के मुताबिक दिया जाए। आपकी खुशी केस जीतने का तो नतीजा नहीं है, आज आप में नई प्रेरणा देख रही हूँ, है ना? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। पहली बार जिसे प्यार किया वो तुम हो, वो तुम हो। मैंने पहली बार जिसे प्यार किया वो तुम हो, वो तुम हो। एक पत्थर का आईना जिसने बना दिया
लाज शर्म दोनों ने बेच खाई है, खुलेआम हाथों में हाथ डालकर घूमते हैं। हाँ सर, समाज की नीति और सिद्धांतों को बिल्कुल भूल चुके हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, आप तो जानते हैं मैं सत्यवादी हूँ, ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सर। मैंने तो कह दिया कि आप संध्या देवी को अपना पर्सनल लॉयर बना लीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। वकील साहब, उसके कुकर्मों को रोकने के लिए आपका नौकरी छोड़ देने से ही काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा, उसकी गतिविधियों से पूरी जानकारी करानी होगी। क्या बात करते हैं सर, अगर कन्वरलाल को यह भी पता चल गया कि मैं यहाँ आया हूँ तो वो मुझे जान से मार डालेगा सर। वकील साहब, आपके लिए एक मंत्री के बंगले से सुरक्षित जगह और क्या हो सकती है? आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर आप कन्वर को कानून के हवाले करवाने में मदद करेंगे तो सरकार आपकी भली बात रक्षा करेगी। सर, मैं अपनी जान की जोखिम उठाकर आपको बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी की सुरक्षा अब आपके हाथ में है। कन्वर लाल के पास काले धन का ढेर लगा हुआ है, कल ही गोदाम में नाजायज माल इतना सारा भरा गया है सर कि अगर छापा मारा जाए तो रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। सुन रहे हैं आप, आपके शासन में अपराधी कैसे आजाद घूम रहे हैं, हमारी तरफ क्या ताक रहे हैं? जाइए और इसके गोदामों पर जाकर छापा मारिए, और अगर जरा सा भी सबूत मिल जाए तो उसे NSA के अंतर्गत गिरफ्तार कर लीजिए। Where is Mr. कन्वरलाल? सर, इनकम टैक्स का छापा पड़ गया सर। इनकम टैक्स? कितना कैश है यहाँ पर? सर, लगभग 50 लाख रुपया। जल्दी से बैग में भरकर मुझे दे दो। लेकिन सर, आप डोंट आर्ग्यू, डू एज़ आई से, जल्दी करो, हरी अप। यस सर। ओके, सब अपनी अपनी जगह पर बैठे रहिए, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। वारंट, गोदामों पर छापे, सब बेकार, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। वो अपना सारा काला धन इकट्ठा करके भाग गया, उसका हर बार हमारी जान लेने के लिए, उसका हर कदम हमारी बदनामी के लिए है। क्या करें सर, कोशिश तो बहुत की पर कमबख्त मछली की तरह फिसल जाता है। लेकिन आप घबराएं नहीं सर, इस बार मौका नहीं देंगे, 24 घंटे के अंदर उसका इंतजाम हो जाएगा। आप सुनिए, जब तक कन्वर लाल हमारे रास्ते में है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें अपनी मंजिल पाने के लिए उसे रास्ते से हटाना ही होगा। सूरज प्रकाश, तू मेरे धीरज को हिंसा में बदलने की कोशिश कर रहा है, अपनी मौत को दावत दे रहा है। दूसरों का सीना चीरने की ताकत तो मुझ में बचपन से ही आ गई थी, लेकिन अपने ही पाले हुए गद्दारों को माफ करने का धीरज अभी तक नहीं आया। जब मुझे पता चला कि मेरे राज खोलने वाला कोई मेरा ही अपना आदमी है तो मैंने दुआ की कि वो सलीम और जगन ना हो। मुझे खुशी है कि वो गद्दार तुम में से नहीं है। कल हालात तुम्हें झुकने पर मजबूर कर सकते हैं, कोई मजबूरी ऐसे हालात पैदा कर सकती है कि तुम्हारा विश्वास मुझ पर से उड़ जाए। अगर ऐसी नौबत आ जाए तो गद्दारी के बजाय मुझे गोली मार देना।
जिस समय आपको ऐसा लगे आप हमें गोली मार दीजिएगा सर। हाँ सर, लेकिन ऐसी बातें मत कीजिए, आपके चेहरे की मायूसी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। वो नमक हराम वकील उत्तम लाल इसका जिम्मेदार है, वो कल सुबह की फ्लाइट से राजधानी जा रहा है, लेकिन उत्तम लाल कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा। उत्तम लाल जी, हम आपके आभारी हैं। थैंक यू सर। आपने कन्वर लाल के राज बताकर हमारी और हमारी सरकार की मदद की है। थैंक यू सर। आपने सही माने में देश की सेवा की। थैंक यू वेरी। मगर मंत्री महोदय साहब, मुझे प्रशंसा की नहीं, मुझे सुरक्षा की जरूरत है। अब तक तो उन लोगों को मेरी गद्दारी का पता भी चल गया होगा, वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे सर। मुझे सिक्योरिटी चाहिए सर, प्रशंसा, आई मीन सुरक्षा सर। डरवाने की जरूरत नहीं वकील साहब, ये लीजिए 50,000 रुपए और हवाई जहाज का टिकट। अरे तुमने कहीं खबर न थी, इसका क्या करूं सर? कल आप राजधानी जाएंगे, उसके खिलाफ गवाह तैयार किए जाएंगे। हमने हवाई अड्डे पर पत्रकारों को बुला रखा है, वहां आप पत्रकारों को कन्वर की गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। राजधानी में आपको हाई कमांड का विशेष आतिथ्य मिलेगा। 15 दिन आपकी जिंदगी रंगीन बना दी जाएगी, और जब आप लौट कर आएंगे तो इस राज्य का मुखिया ही बदल चुका होगा, यानी कि हम मुख्यमंत्री होंगे और कन्वर लाल जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा होगा। आप क्यों चिंता करते हैं, अब तो आप हमारे अंतरंग हैं भाई। मंत्री जी, मैं सुबह राजधानी जरूर जाऊंगा, मगर वो मुझे सुबह तक जिंदा रहने देगा तब जाऊंगा ना, वो मुझे रात में मार डालेगा सर। आप डरिए मत वकील साहब, एयरपोर्ट पहुंचने तक हम आपके साथ ही रहेंगे। रूम सर्विस? हाँ नमस्कार महिला जी, ये कमरा नंबर 302 है, 2 विदेशी लार्ज विस्की और सोडा भिजवा दीजिएगा। धन्यवाद, मैं आ गया लूंगा। उत्तम लाल जी, मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है। मिस्टर पटेल, ये सर, आप इनकी सुविधा का ध्यान रखिएगा। श्योर सर। अच्छा नमस्कार। ये क्या हो रहा है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बैठिए। बैठूं? बैठिए आराम से। आराम से ये। ओके, बस इनफ। लोगों ने अगर विस्की में ही जहर मिला दिया होगा तो ये इसका चेहरा देखकर ही मुझे शुभा हो गया। इसे कहिए कि ये शराब पीकर दिखाए। ये शराब पियो पियो पीजोगे नहीं। जल्दी चलो, खबर दो, जल्दी चलो, पुलिस को बुलाओ, गवर्नमेंट को बुलाओ। बच्चों, मैं कोई टुच्चा मुच्चा वकील नहीं हूँ, उत्तम लाल हूँ, उत्तम लाल सबसे उत्तम। सर सुनिए सर, गजब हो गया सर। कन्वर के आदमी कमरे में पहुंच गए सर। बेटी, अब इस अनाथालय को चलाना मेरे लिए बहुत ही कठिन हो गया है। बड़े आदमियों के पास चंदा मांगने जाता हूँ तो कहते हैं हम भी अनाथों की तरह बिल्कुल निर्धन है। हाँ मैं जानती हूँ शास्त्री जी, एक छोटी सी भेंट लाई हूँ, ये 50,000 का चेक। आप तो जानते हैं शास्त्री जी, इस अनाथालय ने इस अनाथ संध्या को पाल पोस कर बड़ा किया, माँ बाप दोनों का प्यार दिया। ये पैसे देते हुए मुझे लग रहा है जैसे मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर रही हूँ। ले लीजिए ना। बेटी, माँ बाप तब गौरव महसूस करते हैं जब औलाद पसीना बहाकर ईमानदारी से दो पैसे कमा के ला के देती है। गलत ढंग से कमाई हुई दौलत
मनुष्य के लिए शराब बन जाती है। फिर भी अगर तेरी आत्मा कहती है कि ये तेरी मेहनत की कमाई है तो ला दे दे। बेटी संध्या, एक दिन तूने ही कहा था कि पेशा केवल पेट पालने के लिए नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई मर्यादा भी चाहिए। मगर आज तू क्या कर रही है, किन का साथ दे रही है? काला कोट पहन के अदालतों में पेशदार बातें करके किन का साथ दे रही है तू, जो हमारे नेताओं के कातिलों को फांसी के फंदे से बचाने की कोशिश कर रहे थे उनका? ऐसी क्या बात हो गई संध्या? शास्त्री जी के सीधे से सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकी कि क्या ये पैसा मैंने ईमानदारी से कमाया है? आपके इतने एहसान है मुझ पर, मैं हर हालत में आपके साथ हूँ, लेकिन मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ जो आपकी दौलत और ताकत की वजह से आपके सामने तो खामोश रहते हैं लेकिन आपकी पीठ के पीछे बुरा बोलने से नहीं रुकते। प्लीज छोड़ दीजिए ये सब, बदल डाले खुद को ताकि लोगों के मुंह पर ताले लग जाएं। संध्या, कानून तुमने किताबों में पढ़ा है और मैंने जिंदगी के सबक के जरिए जाना है। अब यही मेरी जिंदगी का रास्ता है और वही लोग मेरे साथ चल सकते हैं जो लोहार की भट्टी में तपते हुए लोहे की तरह हो और जिंदगी के हथौड़े की हर चोट को सह सके। अगर तुम में इतना धीरज न हो तो अपनी मर्जी से जब चाहो मेरा साथ छोड़ सकती हो। कौन पत्थर दिल होगा जो आपका साथ छोड़ सकेगा? लेकिन समाज आप जैसे देवता को शैतान कहता है। समाज के उन देवताओं के चेहरे से जरा नकाब तो हटाओ, वहाँ शैतान ही शैतान नजर आएंगे। काश तुमने भूख का शिकार मेरे गरीब बाप की मौत देखी होती, मेरी बीमार माँ का रातों को जागना और तड़पना देखा होता। माँ की मौत पर उसकी चिता की लकड़ियों के लिए समाज के ठेकेदारों के आगे गिड़गिड़ाना देखा होता। अगर 10 साल का मासूम कन्वरलाल अपनी माँ की लाश को अपने कमजोर हाथों से शमशान तक खींचकर न ले गया होता तो उसे चील और कौवे खा गए होते। ये सब कुछ मैंने सहा है, मैं जानता हूँ जिंदगी क्या है। अतीत की कड़वाहट को भूलकर अपने आप को बदला जा सकता है और अगर आप ना बदले तो समाज कन्वरलाल जैसे देवता को सदा शैतान ही कहता रहेगा। यहाँ देवता कौन है, कौन यहाँ शैतान? देवता और शैतान का संगम होता है हर इंसान, देवता और शैतान का संगम होता है हर इंसान। यहाँ देवता कौन है, कौन यहाँ शैतान? और शैतान का संगम होता है हर इंसान, होता है हर इंसान। देवता और शैतान होता है हर इंसान। भला बुरा हर इंसान। यहाँ देवता कौन है, कौन यहाँ शैतान? देवता और शैतान का संगम होता है हर इंसान, होता है हर इंसान। देवता और शैतान होता है हर इंसान। बुराई
अदालत पहचाने हर इंसान, यहाँ देवता कौन है कौन यहाँ शैतान, देवता और शैतान का संगम होता है हर इंसान, होता है हर इंसान, देवता और शैतान होता है हर इंसान। मंत्री सूरज प्रकाश की सुरक्षा प्राप्त होते हुए भी वकील उत्तमलाल की मृत्यु हो गई, परंतु मंत्री महोदय ने अपनी अयोग्यता से शर्मिंदा होकर भी त्यागपत्र नहीं दिया। इससे पहले भी अनेक अवसरों पर मंत्री जी अयोग्य सिद्ध हो चुके हैं। धीरे धीरे हर वर्ग के लोगों का विश्वास खोते जा रहे हैं। लिखा है विशेष प्रतिनिधि ब्रज शर्मा ने। ये ब्रज शर्मा कौन है? कौन है भाई ये ब्रज शर्मा? उसका कलम तो तलवार से भी तेज है सर, क्यों श्याम प्रसाद जी? सत्य वचन राम प्रसाद जी, एक बार आदमी तलवार के वार से बच सकता है लेकिन उसके कलम के वार से नहीं। टुकड़े कर दो उस कुत्ते के, लाश भी न पहचान में आए, ताकि हमारे खिलाफ आवाज उठाने से पहले हर कोई अपना अंजाम सोच ले। जानती हो संध्या मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? जिंदगी में पहली बार किसी के सामने अपनी जिंदगी की किताब का हर एक पन्ना खोल देना चाहता हूँ। अपने दिल का गुबार निकालने के लिए ऐसी जगह चाहिए थी। मेरी जिंदगी में कोई जिंदगी नहीं है संध्या। हालांकि नजर की हद तक फैली दुनिया खरीद सकता हूँ, लेकिन एक दिल ऐसा नहीं खरीद सका जो मुझसे सचमुच हमदर्दी रखता हो। लेकिन एक हमदर्द से तोहफे में तो मिल सकता है। संध्या, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, प्यार के माहौल में जीना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश को हकीकत का लिबास पहना दो संध्या। प्लीज। अगर तुम्हारा साथ मिले तो मैं सब कुछ कुर्बान कर दूं, उस जिंदगी की तरफ पलट कर भी ना देखूं जो जी रहा हूं। मैंने कभी तुम्हारे अतीत के बारे में नहीं पूछा, ना ही मैं जानना चाहता हूं। बस संध्या के साए में कुछ पल गुजारने को मिल जाए, यही बहुत है मेरे लिए। कोई बदनसीब ही होगी जो आप जैसे महान इंसान का तोहफा कबूल करना अपना सौभाग्य न समझे, और मैं वैसे ही बदनसीब हूँ। किसी के बच्चे की माँ, किसी और की पत्नी बनना मेरा अधिकार नहीं है। मैंने तो सिर्फ दिल पर अधिकार चाहा संध्या, शरीर पर नहीं। माफ कीजिए कन्वरलाल जी, जिसके शरीर का कोई अंग कटा या टूटा हो वो जानवर भी बलि नहीं चढ़ाया जाता। मैं किसी जालिम के शिकंजे में कैद हूँ, मुझ जैसी औरत आप जैसे महान इंसान के साथ नहीं रह सकती। माफ कीजिए मुझे। ठीक है दोस्त, चलो इस वीराने से निकलकर अपनी अपनी दुनिया में चले। सरकार बचाइए सरकार। क्या हुआ? सरकार मुझे बचा लीजिए सरकार, वो हमें मार डालेंगे। सरकार मैं एक पत्रकार हूँ, मंत्री सूरज प्रकाश के बारे में मैंने सब सच लिख दिया है सरकार। अब उसके आदमी मुझे और मेरे सारे परिवार को मार डालना चाहते हैं। सरकार हमें बचा लीजिए, सरकार हमें बचा लीजिए। सलीम, इन्हें अंदर ले जाकर फर्स्ट एड दो जल्दी। देखिए शर्मा जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप जितना उनसे डरेंगे वो लोग आपको ज्यादा सताएंगे। आप लोगों की वजह से हम बच गए, वरना वो लोग अब तक हम सबको मार डालते। वो हरामखोर हर किसी को अपने पैरों तले कुचल देना चाहता है। इसका एक ही इलाज है कि उसके पैर काट दिए जाएं। देखिए शर्मा जी, आप मेरी बात सुनिए, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है अगर आप अदालत को बताने को तैयार हैं, तो आपकी तरफ से मैं मुकदमा दायर कर देती हूँ कि आपके साथ अत्याचार हुआ है। कानून आपका साथ देगा, डरने की कोई बात नहीं है। मैं डरता नहीं हूँ, मैं उन पत्रकारों में से हूँ जो सच्चाई लिखने से नहीं डरते। मैं अदालत में उसके बारे में सब कुछ बता दूंगा।
ऑनर, स्वतंत्र देश के राज्य सरकार में मंत्री होते हुए जिनके कांधों पर कानून और न्याय की जिम्मेदारी है, मंत्री श्री सूरज प्रकाश ने एक पत्रकार पर अत्याचार किए और उसे घायल कर दिया क्योंकि उस बेचारे ने अपने अखबार में इनके बारे में सच्चाई लिख दी। मंत्री जी के पास ताकत हो सकती है, लाखों की भीड़ इनके पीछे हो सकती है, करोड़ों की दौलत इनकी तिजोरी में हो सकती है, लेकिन इन्हें किसी पर अत्याचार करने का कोई अधिकार नहीं। ये सहन नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे अत्याचारियों को दंड नहीं दिया गया तो जनता का प्रजातंत्र से विश्वास उठ जाएगा। मेरी अदालत से विनती है कि अपराध साबित होने पर अपराधी को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। That's all, Your Honor. Any cross-examination? Yes, Your Honor. Mr. Vish Sharma, आप बिना किसी खौफ के अदालत को वो सारी घटना सुनाएंगे? Your Honor, मैंने अपने अखबार में मंत्री सूरज प्रकाश के खिलाफ लिखा, इसीलिए उन्होंने अपने आदमियों से मुझ पे हमला करवाया। ये सब झूठ है। कन्वर लाल और संध्या देवी ने मुझे ये नाटक करने पर मजबूर किया है। कन्वर लाल और संध्या देवी के अवैध संबंध तो बहुत दिनों से हैं और अक्सर कन्वर लाल अपना काम निकालने के लिए संध्या देवी को मुख्यमंत्री के बंगले पर भी भेजते हैं। उस प्राइवेट बंगले में संध्या देवी मुख्यमंत्री से कन्वर लाल का हर छोटा बड़ा काम अपनी खूबसूरती इस्तेमाल करके करवा लेती है। जब मुझे सच्चाई का पता चला तो कन्वर लाल ने मेरी जबान बंद करने की कोशिश की और लालच देकर इन मंत्री जी के खिलाफ छापने के लिए कहा, और जब मैंने साफ इनकार किया तो मुझे जान से मार डालने की धमकी दी। मुझे ये झूठा मुकदमा दायर करने पर मजबूर किया। अपनी जान के डर से मैं उसका कहा करने पर मजबूर हो गया सरकार, लेकिन अदालत के सामने सच्चाई मैंने इसलिए बयान कर दी कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। ये संध्या देवी जो पैसों के लिए अपने शरीर का सौदा करती है, वो कन्वर लाल जो अपना काम निकालने के लिए इसका शरीर इस्तेमाल करता है, सरकार इन दोनों ने मिलकर मंत्री जी को इस झूठे केस में फंसाने का ड्रामा मुझसे करवाया है, मिलोर्ड मुझसे करवाया है। मैंने सच्चाई बयान कर दी है योर ऑनर, मगर ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सर, मैं अपनी सुरक्षा की भीख मांगता हूँ, मुझे और मेरे खानदान को सुरक्षा प्रदान कीजिए योर ऑनर, सुरक्षा प्रदान कीजिए योर ऑनर। न्यायमूर्ति महोदय, हमें कोई अफसोस नहीं है कि हम यहां अदालत में खड़े हुए हैं। आजकल कुछ लोग मंत्रियों को लुटेरों और डाकुओं की उपमा देते हैं। दरअसल हम उन्हें बताने के लिए यहां खड़े हुए हैं कि असल में अपराधी कौन है और अपराध किन पर थोपा जाता है, समाज के दुश्मन कौन है और जिम्मेदार किन ठहरा जाता है। महोदय, हमने तो अपना सारा जीवन जनता को समर्पित कर दिया है, आखिरी सांस तक हम जनता की सेवा करते रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए न्याय श्रेष्ठ, हमारी सरकार का ढांचा नहीं बदल सकता। हमारा देश इसी प्रकार बिना संविधान बदले हुए जनतंत्र और प्रजातंत्र की छवि बनाए हुए प्रगति के पथ पर चलता रहेगा। जय देश। कन्वर लाल हेयर। कहो कन्वर लाल, कैसी लगी हमारी व्यूह रचना? अब समझ में आया कि हम कितने चतुर और शक्तिशाली हैं। अदालत तक धोखा खा गए, समाज के सामने तुम और तुम्हारे परम मित्र संध्या के माथे पर कलंक का टीका लग गया। बड़ा समय लगेगा तुम दोनों को इस अपमान से पीछा छुड़ाने में। कन्वर, एक और शुभ सूचना ले लो। विधानसभा की अगली बैठक में हमारे विश्वास पात्र साथी एक अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे और दूसरे दिन इस राज्य का मुखिया बदल जाएगा और उसी पल हम इस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। तत्पश्चात 24 घंटे के अंदर हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे कन्वर लाल। बाबूजी,
बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, मेरे पति को जान से मारने की धमकी देकर आपके खिलाफ गलत बयान दिलवाया है। मैं जानता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, बच्चों को लेकर घर जाइए। आप लोग सभी विधायकों को लेकर रामदीप वाले बंगले पर पहुंचिए और अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करा लीजिए। जिसे धन चाहिए धन, और जिसे कुर्सी चाहिए उसे कुर्सी का आश्वासन दे। चलिए फौरन चलिए राम प्रसाद जी। सलीम ये क्या हो रहा है? सर, सूरज प्रकाश बार बार आपके सब्र को ललकार रहा है, आज उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद करके ही आपको अपनी शक्ल दिखाएंगे। आज सूरज प्रकाश के नाम के साथ स्वर्ग की उपाधि लगा कर रहेंगे सर। कम ऑन जगन। सलीम सुनो जगन, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप विश्राम कीजिए। हमारा विश्वास प्रस्ताव कल विधानसभा की बैठक शुरू होने से पहले ही सफल हो जाएगा, इसलिए जब मुख्यमंत्री की इमारत गिरेगी तो हम सोच रहे कि हमारा वहां होना बहुत जरूरी होगा। लेकिन सर, कन्वर के आदमी आपसे बदला लेने के लिए रास्तों पर नजर रखे हुए हैं, आप कार के बजाय हेलीकॉप्टर से जाएं। हम बाई रोड ही जाएंगे, अगर वो हमें मारना चाहते हैं तो उन्हें कोशिश करने दीजिए, हम सुरक्षा के बहाने उन्हें एनकाउंटर में समाप्त कर सकते हैं। आईजी साहब। यस सर। अब रास्ते में सुरक्षा टुकड़ियां और बढ़ा दीजिए। यस सर। किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इसे गोलियों से भून दूंगा। फेंक दो ये रिवॉल्वर। हेलो। ओके। गुड बाय मंत्री साहेब।
जगन, क्या हो जगन? लोगों ने तलीम को क्या हुआ? मार डाला सर। हम लोगों ने अपना वादा पूरा नहीं किया। नहीं नहीं जगन, नहीं। हमें माफ कीजिए सर। नहीं जगन, हमें नहीं जगन, हमें जगन माफ कीजिए सर। जगन जगन नहीं, जगन जगन नहीं, जगन नहीं, जगन नहीं, जगन जगन नहीं, जगन 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 बास्टर्ड। संध्या, अब वो कमीना जिंदा नहीं रहेगा। नहीं, मैं आपको कातिल नहीं बनने दूंगी। मैं उसके शरीर में गोलियों के इतने छेद देखना चाहता हूँ जिनसे उसकी मौत से पहले खून की एक एक बूंद बहकर निकल जाए। भावना में बहकर आप गलत कदम उठा रहे हैं। अगर इस वक्त उसे मार दिया गया तो वो शहीद कहलाएगा, इतिहास में उसका नाम लिखा जाएगा। हमें तो जनता के सामने उसके चेहरे से नकाब हटाकर उसका असली रूप दिखाना चाहिए। नहीं संध्या, मौत के अलावा कोई कानून, कोई अदालत उसे सजा नहीं दे सकती। इतिहास इस बात का गवाह है। छोड़ो मुझे। सुनिए मेरी बात, मैं कहती हूँ सुनिए। बैठक इसलिए बुलाई है कि आमने सामने बैठकर सारी बातें तय हो जाएं। मुख्यमंत्री बनने के बाद आप किसको और क्या देना चाहते हैं? तराई के इलाके से किसी आदमी को मंत्री बनाने की जरूरत नहीं है। वहां के एक आदमी को किसी उपजाऊ विभाग का चेयरमैन बना देंगे। अब रहा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटों का सवाल। आपको कितनी सीटें चाहिए? हमारे हिस्से में कितनी आएंगी? लाइसेंस और कोटा पास करने में आपका क्या हिस्सा होगा? ये सारे फैसले हम पहले ही कर लें तो अच्छा है। भाई जी, हम लोग तो लग गए हैं जूतों में दाल बांटने। आप क्यों चिंता करते हैं? हम मुख्यमंत्री को अपने भले के लिए थोड़ी बन रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हम आपकी कुछ सेवा कर सकें, आप लोगों के सुखी जीवन का कुछ प्रबंध कर सकें। आप निश्चिंत रहिए, आपके किसी व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं होगी। हम आपके शिष्य हैं, आपके बनाए हुए। हमें अपनी सरकार को चलाने और उसे मजबूत बनाने के लिए एकता से काम लेना पड़ेगा। अगर हम इसी तरह अपने अपने स्वार्थों को लेकर लड़ने लगे तो विधानसभा में बैठने की जगह
सड़कों पर बैठकर भीख मांगनी पड़ेगी। अब सारे विधायकों को बुलाइए और उनसे हस्ताक्षर ले लीजिए भाई जी। चलिए चलिए सारे विधायकों को बुलाइए, चलिए चलिए चलिए। प्रकाश, तेरा अंत आ गया। गिन ले अपनी चंद सांसें और कर ले हर सांस पर अपने पापों का प्रायश्चित, ताकि अगले जन्म में तू इस धरती पर बोझ ना बने। कन्वर, तुम हमारे खून से हाथ रंग के एक और खून का इल्जाम तुम अपनी गर्दन पर क्यों लेना चाहते हो? तुम देखो, तुम चाहो तो हमारी पहुंच, हमारे पद, हमारी ताकत से का फायदा उठा सकते हो। हमारे कहने से कानून तुम्हारे हर जुर्म को माफ कर दे। पहले मेरे कानून का फैसला तो सुन ले सूरज प्रकाश। रुक जाइए, प्लीज प्लीज रुक जाइए। संध्या, तुम यहां? नहीं संध्या, संध्या जब तुम्हें हमारी जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारे किसी काम नहीं आए, पर आज जब हमारे सर पर मौत मंडला रही है तो तुम हमारी जान बचाने के लिए आई हो। नहीं, हमें मरते वक्त शर्मिंदा मत करो संध्या। इस जैसे इंसान से जिंदगी की भीख मांगने से बेहतर है कि हम इसके हाथों मौत कबूल कर लें। संध्या, हमें बचाने के लिए कहीं तुमने इसके सामने ये रास्ता नहीं खोल दिया कि हम तुम्हारे बच्चे के बाप हैं? संध्या का सुहाग, सूरज प्रकाश। ज्यादा गोलियां बर्बाद मत कीजिए, थोड़ी देर के लिए सांसें इसे भीख में दे देते हैं। इसकी मुक्ति के लिए हम इसे कुछ दीक्षा देना चाहते हैं। आप जाइए। ओके सर। छी छी छी, देखा कन्वर, कैसा भयानक अंत हुआ है तेरा। अब तेरा जाने का समय आ गया है बालक, तेरी आखिरी सांसें हमारे चरणों में निकलेंगी। जानता है तेरे मरने के बाद संध्या का भविष्य क्या होगा? सरकार इसे गुंडों का साथ देने के जुर्म में जेल की सलाखों के पीछे डाल देगी और इसका ये बच्चा गलियों का भिखारी बन जाएगा।
जैसे कि तू अपने बचपन में था। हम चाहते हैं कि तू नरक में जाने से पहले इनका अंत सोच सोच कर तड़पे। अब हम राज करेंगे। ये कांटा भी निकल गया। आज हमारे लिए बड़ा ही खुशी का दिन है। कन्वर हमारे चरणों में पड़ा हुआ है। बुद्धियत विनाश काले विपरीत बुद्धि। सूरज तक पहुंचने चला था। अरे वाह। देख सूरज प्रकाश, राज तेरे नसीब में भी नहीं है, अब तू मेरे कदमों में पड़ा है। राजा राजा कन्वर लाल है। संध्या संध्या, न मेरी पैदाइश प्यार का नतीजा है, न मेरी परवरिश हमदर्दी की गोद में हुई है, लेकिन जी चाहता है कि मौत प्यार की बाहों में सिमट कर हो। संध्या, संध्या, संध्या।